आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तानी एथियस्ट, पाक एथियस्ट की कर्ता धर्ता सादिया हमीद हैं। सादिया को मैं तकरीबन कोई 3 साल से जानता हूं। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी एंड एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट। शी हैज़ बीन थ्रू हेल व्हेन शी वाज अ मुस्लिम एंड इवन आफ्टर दैट इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस्लाम के अगेंस्ट और इस्लाम को समझती भी हैं। वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, एथियस्ट हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और इनका इनका जो काम है दैट इज़ वेरी वेल नोन टू ऑल द एथियस्ट एक्टिविस्ट। मुझे भी पता है, हारिस को भी पता है और आप किसी भी एथियस्ट एक्टिविस्ट को अगर आप से आप बात करें तो हर कोई सादिया को जानता है। और सादिया ने जो भी खिदमत की है, जो लोगों की हेल्प की है, इवन कि मैं भी एक वक्त में बड़ी मुश्किल में था 2018 के अंदर, उस वक्त सादिया प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। शी हेल्प्स आउट एक्स मुस्लिम्स, यंग एक्स मुस्लिम्स, स्पेशली एक्स मुस्लिम फीमेल्स, और इनका काफ़ी बड़ा सर्कल रहा है जिसमें इन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प आउट किया। तो सादिया, वेलकम टू दिस स्ट्रीम दैट इज़ गोइंग ऑन बोथ योर चैनल एंड माई चैनल। सो आई कैनॉट से आई वुड जस्ट लाइक टू वेलकम यू टू माई चैनल। तो चलें, आप सुनाएं कैसी हैं और क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका जरा ज्यादा मसला बना हुआ है ना? हाँ जी, बस देखें, हम तो जी रहे हैं मगर hopefully things are going to get better with time और hopefully we are going to be in a situation that is going to improve really soon। बाकी मेरा लैपटॉप खराब था एंड थैंक्स टू ऑल द पेट्रॉन्स एंड इवन द यूट्यूब सपोर्टर्स, उन्होंने इवन के मैंने गो फंड मी कैंपेन रन किया जिसके अंदर उन्होंने मुझे इसके अंदर सपोर्ट किया और नाउ आई विल रिसीव दैट मनी वेरी सून एंड आई एम गोइंग टू बाय अ गुड कंप्यूटर जिससे फिर मैं अच्छी तरह तरीके से वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सकूं। तो ये है जी, बहुत से लोग आपको वेलकम कह रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो फिर बेसिकली आप ये बताइए कि अब COVID-19 चल रहा है तो क्या सिचुएशन है यूके में इस वक्त? यूके में तो काफ़ी पागलपन चल रहा है, हमारे बहुत ज़्यादा केसेस हैं यहाँ, लेकिन यहाँ लोग भी बहुत है। इट्स अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, तो मतलब जो ज़रा बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ज़रा मसला बन गया है। और हमारे जो पाकिस्तानी मुसलमान लोग हैं वो इंस्ट्रक्शंस को भी नहीं सुनते हैं। हमारा एक एमपी था जो एक जनाजे पर गया और वहाँ 100 से ज्यादा लोग थे और एक बच्चा वहाँ बीमार था जिसके पास सस्पेक्टेड कि उसके पास कोविड था, तो ये मसला बन गया था। पर काफी अजीब सी चीजें देखी है मैंने पाकिस्तान में भी कि लोग कह रहे कि अगर मेरा टाइम आ गया तो मैं नहीं लड़ूंगा, यू नो, ये खुदा की मर्जी है। ऐसी ऐसी अजीब सी बातें हो रही हैं, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आई मीन ये तो पूरी वो ये कहते हैं ना कि जो अगर रात कब्र में है वो बाहर नहीं, कहते हैं कि ये लोग, ये पाकिस्तान में तो यही नारा लग रहा है कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। तो ये क्या जो पाकिस्तानी जो रह रहे हैं यूके में उनका भी यही एटीट्यूड है कोविड की तरफ? तो इतनी डेथ्स हो रही हैं अभी, एटीट्यूड तो क्या ये एटीट्यूड चेंज होता नजर आ रहा है? नहीं, देखो जो जिनकी एटीट्यूड पाकिस्तान में बैकवर्ड होगी वो इंग्लैंड में वही एटीट्यूड लेके आएंगे ना। लोग जब किसी और मुल्क में जाते हैं उनका माइंडसेट वही होता है, उनकी ख्यालात, उनके सोच वही होते हैं। हमने औरतों के मसलों में भी यही देखा है, जो लोग पाकिस्तान में अपनी औरतों को कंट्रोल करते हैं, उन पे पाबंदियां लगाते हैं, वही चीज वो बाहर आके भी करते हैं। इसी वजह से देख लो हमारी औरतें इंग्लैंड में भी, उनके साथ जबरदस्ती शादियां होती हैं, उनके साथ होती हैं, उनको उनकी जिंदगियां कंट्रोल होती हैं। इसी वजह से एक्स मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी को देख लो, इसी वजह से ज्यादा मर्द आते हैं इस कम्युनिटी में औरतों की बजाय। मेरे ख्याल से 80-90% मर्द होते हैं और बाकी जो स्मॉल छोटा नंबर बहुत कम है। हाँ,
बहुत कम जो हैं वो बेचारी ख्वातीन हैं, और जितनी भी ख्वातीन हैं वो किसी ना किसी ऐसे क्राइसिस से मुझे गुजरती नज़र आती हैं जहाँ पे उनको फैमिली की तरफ से सख्त रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। चलें, एक्स मुस्लिम का तो मसला एक तरफ है, मगर लड़कियों को मैंने देखा है कि उनको घरों घर से लड़ना पड़ता है, बाप से, भाइयों से, माँ से, कि जी वो जो हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ रिलीजन की बेस पे, तो ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है सारी की सारी। और आप तो इससे गुजरी हैं और आप बहुत ज्यादा एक्स मुस्लिम खवातीन को जानती हैं मुझसे बहुत ज्यादा, तो आपने क्या देखा है कि एक एक्स मुस्लिम आदमी के बजाय एक एक्स मुस्लिम खातून के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल है, एज कंपेयर, अगर हम दोनों को कंपेयर करें? क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि मुश्किल है, मगर ओना मार्जिन, क्या हम इसको मार्जिन दे सकते हैं कि उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है? बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि औरतों पर ये इज्जत का भी बर्डन होता है ना, कि तुम इसकी लोग क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे। मर्द बाहर जाके जो मर्जी कर सकते हैं। देखो, एक मर्द अपने घर में इस्लाम छोड़ सकता है और वहां फिर भी महफूज रह सकता है। एक औरत जब इस्लाम छोड़ती है, उसके ख्यालात जब बदलते हैं, वो बाहर भी जाके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोग उसको घर में देखते हैं, बाहर उनके जासूस भी रखे होते हैं, है ना। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी सोच सोच लो, वो जो करतूते हम पाकिस्तान में करते हैं, वही हम इंग्लैंड में करते हैं, वही हम दूसरे मुल्कों में करते हैं। हर किसी की नजर होती है हमारी बेटियों पर, हमारी घर की औरतों पर। तो अगर एक औरत को इस्लाम छोड़ने की मर्जी, अगर वो इस्लाम छोड़ने की मर्जी बना ले, तो उसको अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, अपनी अपने अपना अपनी पूरी दुनिया छोड़नी पड़ती है। ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। और मैंने देखा भी है कि हमारे लड़के जो इस्लाम छोड़ देते हैं, कभी कभी वो फिर भी अपने घर वालों के साथ कोई रिश्ता बना के रख सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए ये हमेशा नहीं होता। क्योंकि मैंने तो ये देखा है, मेरी वाइफ के केस में ऐसा ही है कि जाहिर बात है कि वो जिस लेवल पे स्ट्रगल करती है या उसके लिए जितने बड़े प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे लिए नहीं है। मेरी मैं कभी कभार जो है ना अपनी फैमिली से बात भी कर लेता हूँ, कोई थोड़ी बहुत बात हो जाती है, मगर वो नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत मुश्किल है। और शी इज़ काइंड ऑफ लिविंग इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बेसिकली आप क्या समझती हैं कि फिर इस तरह की जो सिचुएशन है वो डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो किस तरह से जो हैं एक्स मुस्लिम खवातीन क्या वो फेस करती हैं? और इसके अलावा वो जो एक एक चीज़ है कि फीलिंग दिस लोनली, ये लोनलीनेस की फीलिंग और फिर दुनिया में अकेला हो जाना, एक हिसाब से जाहिर बात है फैमिली आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है, जब वही आपके खिलाफ हो जाए तो फिर क्या होगा, बड़ा ही मुश्किल है। तो आपके सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इन सारी चीज़ों से लड़ते हैं, आई नो सेवरल पीपल जो कि इससे लड़ के निकले भी हैं, मगर देर हैव बीन सम हु हैव सफर्ड अ लॉट। तो एक्स मुस्लिम आदमी के हवाले से तो मैं जानता हूँ कि दे कैन गेट अ न्यू लाइफ, दे कैन मैरी समवन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, मगर जो एक्स मुस्लिम खवातीन हैं जब वो किसी ऐसे शख्स से शादी करें जो कि मुस्लिम नहीं है या फिर वो एथियस्ट है, तो उनको क्या फेस करना पड़ता है? अकेलापन फेस करना पड़ता है, और हर कोई ये सर्वाइव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे घर वालों की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर आपको आपको एक डबल लाइफ जीनी पड़ रही है, कि घर में कुछ और बाहर कुछ और, ये सिचुएशन हमारे घर वालों ने ही क्रिएट की है ना। अगर बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर सच बोलने की कोई पेनल्टी ना होती, तो हम घर में सच बोलते, हम दुनिया से लड़ एग्जैक्टली सकते। ये हमारे लोग अपने ही बच्चों को अकेला कर देते हैं, झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। और देखो, जब 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 तुम किसी से मोहब्बत करते हो, और ये भी एक झूठ है कि माँ बाप ही अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मोहब्बत करते। एग्जैक्टली इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, और उस एग्जैक्टली रिलेशनशिप में अगर बच्चों को अपने माँ बाप से झूठ बोलना पड़ रहा है, तो उनमें बच्चों को भी दुख महसूस होता है इस चीज में, इस रिलेशनशिप में, कि ये इमोशनल बर्डन है बहुत बड़ा।
ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और देख लो आपकी बीवी के बारे में जब आप बात कर रहे थे, यही मसला है कि वो उसको उसको अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है, दूर हो या पास हो, घर में हो या बाहर में, बाहर जी रहे हो। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो है, ये तो है, ये तो तो है। वही होती है कि वो तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है झूठ झूठ पर है, और दैट्स अ वेरी शेकी फाउंडेशन टू हैव अ रिलेशनशिप ऑन। तो लेकिन ये बच्चों ने नहीं किया, माँ बाप ने किया, हमें हमारी कम्युनिटियों ने किया है कि इतनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों पे डाली हुई है कि तुमको तुमको ऐसा बनना पड़ेगा, वरना तुम हमारी मोहब्बत, हमारी सपोर्ट, हमारी हमारी कम्युनिटी के से बाहर बाहर फेंक दे नहीं निकल जाओ। सकते। जी। और तो अभी कुछ किस औरतों के लिए तो डबल प्रेशर होती है ना, कि अगर औरत सही से ना बिहेव करे, सही से बोले ना, उठे ना, बैठे ना, सही चीजें ना करे, तो उसकी शादी नहीं होगी। मर्द तो मर्द मर्द की शादी जरा इजी हो सकती है ना। और वो हमारी कम्युनिटी में ये भी कहा जाता है कि मर्द की शादी जब हो जाएगी तो वो सुधर जाएगा, लेकिन औरत को ये नहीं, ये अलाउंस नहीं दी जाती। हाँ बिल्कुल। मर्द के लिए, लड़कों के बारे, लड़कियां आवारा गर्दा हैं, इधर उधर 10 गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं। पाकिस्तान में उसका इलाज ही ये समझा जाता है कि भाई आप इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। और लड़की के लिए, लड़की के लिए तो ये, अगर उससे शादी से पहले तो एक बहुत प्राइम कैरेक्टर बन के रहना है, शादी के बाद उसको उससे भी ज्यादा जो है स्ट्रिक्टली होगा। तो ये उदय पूछ रहे हैं जी, हाउ इज हर हेल्थ डूइंग नाउ? आई डोंट नो इफ यू टोल्ड देम समथिंग अबाउट योर हेल्थ। व्हेन विल शी एंड अली बी बैक ऑन यूट्यूब लाइव ऑन पाक एसीएस चैनल? शी नीड नॉट आंसर इफ अनकंफर्टेबल। It's we've got some stuff going on, but hopefully soon when we've managed to pull out. चले तो उदय, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। अच्छा बाकी, अच्छा वो एक और मुझे क्वेश्चन पहले आया हुआ था जब हमारा अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो किसी ने ये पूछा था कि जो यूके में पाकिस्तानी के ग्रूमिंग गैंग्स थे उनका क्या हुआ? इज देयर सम पनिशमेंट गोइंग ऑन और द केसेस हैव बीन कंक्लूडेड? क्या कोई केस कंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ, क्या चल रहा है उनका? तो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं अब फाइनली, क्योंकि ये एक स्कैंडल बन गया था। इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अरीना। पहले कुछ नहीं करते थे, पहले सिर्फ क्योंकि मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, बंगाली थे, कुछ नहीं करते थे बारे में, लेकिन अब कुछ हो रहा है, नॉट क्विकली इनफ। जो इनके हाथ से रेप किए जाते हैं उनको हमेशा जस्टिस नहीं मिलती। काफी दफा ये उनको उनको बिलीव नहीं करते। देखो, ये हमारे जो पाकिस्तानी ये करतूते कर रहे हैं ना इंग्लैंड में, वो जानबूझ के ऐसी लड़कियां ढूंढते हैं जिनके जिनके घरों में मसले चल रहे हैं, जिनके शायद माँ बाप ना हो, जिनके माँ बाप शराबी हैं, नशा करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, फिर जानबूझ के उनको नशा देते हैं, उनको शराब देते हैं। क्योंकि कोर्ट में अगर तुम जब तुम्हारा रेप हुआ, तुमने नशा किया हुआ था, तो तुम्हारी एविडेंस इज नॉट कंसिडर्ड क्रेडिबल, इज नॉट टेकन एज सीरियसली। अच्छा। लेकिन मसला मेरे लिए ये है कि शराब पीना इस मुल्क में जुर्म नहीं है, किसी का रेप करना जुर्म है, ठीक है, किसी बच्ची का रेप करना जुर्म है, लेकिन अभी ये सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं हुआ, अभी हमने पूरी तरह से ये इस मसले का हल नहीं ढूंढा। और ये भी एक मसला है कि हम जो इस मुल्क की माइनॉरिटीज है उन पर उनको द लॉ इज नॉट अप्लाइड इन द सेम वे। पता नहीं उर्दू में कैसे कह सकती हूँ, या एक कानून डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जाता है,
ये मसला हो गया। बिल्कुल, वहां पर ये विक्टम कार्ड खेलते हैं, वहां पर ये विक्टम कार्ड खेलते हैं, ये मुस्लिम कार्ड खेलते हैं कि जी वी आर अ माइनॉरिटी और हमारे साथ जो है इस तरह नहीं होगा। अच्छा सादिया, एक और चीज है, आप क्या सोचती हैं कि ये इस्लाम का कितना बड़ा रोल है इस तरह के बिहेवियर में जो ये लोग करते हैं, यानी ये काफिरों की बेटियां कह के और उनके साथ जो इस तरह का ये करते हैं, इसके अंदर इस्लाम का कितना रोल है? वो इस्लामिक थॉट जो है, क्या वो भी इसमें कुछ उसकी इन्वॉल्वमेंट है या फिर ये एक कल्चरल फिनोमेना है सिर्फ? It must be a component. It has to be. क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन को देखो, राइट? तो इस एरिया में दो क्राइम्स है. एक है one's called child sexual abuse, one's called child sexual exploitation. Child sexual abuse is usually one rapist, one victim, sometimes more than one. लेकिन वो बच्चों को जानते हैं, ठीक है? दिस क्राइम ये गैंग में ऑपरेट करते हैं काफी ज्यादा, लाइक एक लड़की को यू नो 10, 15, 20 कभी 100 लोगों में शेयर करते हैं. और ये जो क्राइम है, जो पहला क्राइम है ना, वो जो जो कंट्री का डेमोग्राफिक, जो कंट्री का मेकअप है ना, रेशियल मेकअप है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट. सो फॉर एग्जांपल, अगर 80% वाइट ब्रिटिश हैं, तो इस क्राइम में, पहले क्राइम में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में 80% वाइट ब्रिटिश हैं, और से 4% पाकिस्तानी है, तो 4% पाकिस्तानी है इन दैट फर्स्ट कैटेगरी. ये जो बर्मिंगहम की कैटेगरी है ना, तो इंग्लैंड की पॉपुलेशन में मेरे ख्याल से 3% अब हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ठीक है? और इस क्राइम में 80-90% पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जो परपेट्रेटर्स ऑफ ग्रूमिंग गैंग्स हैं, ठीक है? तो ये जब देखते हैं तो इट मस्ट हैव सम कंपोनेंट, राइट? Exactly. कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा. और हमें तो पता है कि इस्लाम में लौंडियां आदमी रख सकते हैं, और औरतों का दर्जा क्या है, ठीक है? देखो, हमारी कम्युनिटी में बताया जाता है कि एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए जो जो अपना यू नो अपने आप को कवर करके रखती है, हिजाब पहनती है, जोर से हंसती नहीं है, खाना पकाना आता है, किसी आदमी से बात नहीं करती, खुद बाहर नहीं जाती, जो लूज कैरेक्टर की नहीं होती, राइट? लेकिन एग्जैक्टली जब 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 ऐसे ऐसे ख्याल हमारी हमारी कम्युनिटी में पॉपुलराइज किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है या थैंक यू, पहले आप बात कर लें, फिर इसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा. तो जो औरतें वो स्टेरियोटाइप नहीं फिट करती, तो हमारी कम्युनिटी ख्यालात में उस औरत को हम फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं. Does that make sense? और exactly. उसमें फिर ये बात, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि हमारी कम्युनिटी में जो औरतें वो स्टेरियोटाइप नहीं फिट करती, उन पर भी इन जैसे लोगों ने हमला किया था. तो काफी मुसलमान काफी मुसलमान लड़कियां जो हिजाब नहीं पहनती या बाहर जाके हिजाब उतार देती हैं, यू नो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हर बच्चा करता है अपनी आइडेंटिटी के साथ, हर बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, एज इन जैसे मर्दों ने उन पर भी हमला किया था, लेकिन वो लड़कियां किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि वो लड़कियां जब किसी को पता चलता कि उनका रेप हुआ है, हमारी कम्युनिटी में इतना गंद भरा हुआ है कि हमारी कम्युनिटी उनसे ही पूछती है कि तुम बाहर क्यों गए थी, बाहर जाके अपना पर्दा क्यों हटाया, अपने आप को वनरेबल बनाया, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं हमारी लड़कियों के साथ, ठीक है? तो मसला सर, एक सेकंड आपको यहाँ पे कट करूंगा. स्पार्टिकस जो है, ही इज ऑल्सो ज्वाइंड, तो मैं उनको भी ले लेता हूँ साथ, तो एक जरा अच्छी हम तीनों की गपशप हो जाएगी. जी
हाँ जी स्पार्टेकस वेलकम टू द शो सादिया, थोड़ी सी आप सेंटर में हो जाएं या फिर चले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ जी स्पार्टेकस कैसे हैं जी आप? सरकार बहुत शुक्रिया, आज तो मेरा दिल खुश कर दिया आपने, मेरा दिल को खुश कर दिया। इस ये मोहतरमा तो जो है मुझे लगता था कि वो स्पेस एक्स पे चढ़ के ना वो चली गई है मार्स पे, ये गायब हो गई अपने चैनल से भी और हमारे व्हाट्सएप वगैरह से भी, मार्स पे चली गई है। तो मुझे लगा था कि शायद हैं थी, मेरा कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ रहा ही है सादिया से, ऐसा नहीं है, ही इज आल्सो रीचेबल थ्रू ईमेल अगर आप करना चाहे तो। नहीं मतलब व्हाट्सएप पे थी मेरे पास, लेकिन उन्होंने फिर पता नहीं, हम गरीबों के व्हाट्सएप देखती नहीं है। एनीवेज इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बैक सादिया। दो चार, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, दो चार चीजें थी जो मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि सादिया ने मेरे साथ एक वीडियो की थी पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के ऊपर, जो है वो बहुत डिटेल के साथ सादिया ने बात की थी, वो तकरीबन कोई 40-50 मिनट की वीडियो है, तो वो जरूर देखिए, बल्कि बहुत ज्यादा व्यूअर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है। दैट इज वन ऑफ द टॉप वीडियो ऑन माय चैनल, और इन्होंने उसमें बहुत ज्यादा डिटेल के साथ सारा कुछ बताया है। एक चीज सादिया, अगर आप मुझे इजाजत दें गालिब साहब, मैंने पूछनी थी, दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि अभी रिसेंटली मुझे पाकिस्तान की फीमेल्स में से एलजीबीटी कम्युनिटी में से कुछ लड़कियों ने अप्रोच किया है, और बहुत कॉमन ये चीज मेरे सामने आ रही है कि जितनी भी लड़कियों ने अप्रोच किया है वो सारी की सारी जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ जो है वो उनका इशू चल रहा है। दे इधर दे आर सफरिंग एंजाइटी और दे आर सफरिंग डिप्रेशन, फिर ऊपर से वो एक्स मुस्लिम्स भी हैं, फिर और ऑन टॉप ऑफ दैट एक्स मुस्लिम तो हैं ही हैं, लेकिन फैमिली के सामने ना तो उनकी सेक्सुअलिटी डिस्क्लोज्ड है और ना ही उनका रिलीजन जो है वो डिस्क्लोज किया हुआ है। वो तो एक तो ये है, एक तो यह है कि उन लड़कियों के बारे में क्या एडवाइस कर सकती हैं, और दूसरी बात जो मैंने आपसे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था कि इस तरह की लड़कियों के लिए जो लेस्बियंस हैं, जो हमसे डिफरेंट हैं, जो सोसाइटी से या जो जो सोसाइटी के टैबूज हैं उनसे डिफरेंट है, उनको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि उनको अगर इस कंजर्वेटिव सोसाइटी से निकालना है तो आपकी जो सीएमबी है क्या वो कोई एफर्ट कर सकती है या कुछ तरह के किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली कोई दो चार केसेस इस वक्त ऑलरेडी हैं। जी जी अगला क्वेश्चन मैं फिर बाद में करूंगा। यू कट ऑफ फॉर अ लिटिल बिट, लेकिन मैं ये पहले मसले पे बात जरा करूं। ये जो लेस्बियन विजिबिलिटी इन पाकिस्तान इज अ मैसिव इशू, तो पाकिस्तान में एक आदमी गे हो के जरा अपनी जिंदगी जी सकता है फिर भी, अगर किसी को पता ना चले, क्योंकि औरत क्योंकि पाकिस्तान में औरतों के हकूक नहीं है, लेस्बियन के हकूक के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। और मसला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो एलजीबीटी राइट्स चल रहे हैं इज लेड बाय द ट्रांस community, trans rights और gay rights के बारे में बात हो सकती है, क्योंकि मर्दों के हकूक हैं, मर्दों को visibility है, मर्द बाहर निकल सकते हैं, campaign कर सकते हैं, हर चीज मर्द कर सकते हैं, इस वजह से औरतें completely invisible है। उसके ऊपर जो mental health वो तो होना ही था, वो तो मुसलमान औरतें भी और हमारे कम्युनिटी की नॉर्मल लोग जो है वो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी उसके बारे में नहीं बात कर सकते। तो लेस्बियन और एक्स मुसलमान औरतें जो है उनको तो और भी मुश्किलात होंगी, बाहर से मेरे ख्याल से उनको बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। स्पार्टिकस अगर तुम चाहो तो उनको मेरी ईमेल उनको मेरा ईमेल भेज देना, मैं कोशिश करूंगी कि उनको पूरी लाइक मदद मिल सके। उनके पास वो जॉब करती हैं, बाहर निकल सकती हैं, मतलब उनका उनकी उनकी इशू
एक्चुअली शायद हमको प्राइवेट में इसके बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, मैं आपसे व्हाट्सएप करता हूँ आपको इस स्ट्रीम के बाद, तो फिर प्राइवेटली ही बात करते हैं इस बारे में। मसला पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा ये है कि औरत के हकूक नहीं है। अगर औरत के हकूक नहीं है तो बाकी दुनिया को मतलब बाकी इशू, बाकी जो औरतों के इशू हैं उनके बारे हम कुछ बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि औरतें वहां अड़ी हुई है। मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन सबसे पहले औरतों के हकूक के बारे में बात करना चाहिए, फिर उसके अंदर लेस्बियन राइट्स एंड मेंटल हेल्थ के जो इशू हैं उनके बारे में बात करनी पड़ेगी, लेकिन जेन्युइन सॉल्यूशन भी ढूंढने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो अंदर जा सकते हैं पाकिस्तान में। हम तीनों पाकिस्तान से बाहर हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए सेफ ही नहीं है। मैं तो यहाँ पली बढ़ी हूँ, पर मेरी भी जरूरत नहीं होगी पाकिस्तान जाने की। तो सोचना भी ना, सोचना भी ना। नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हम सुधार कैसे सकते हैं अगर हम जो इन चीजों के बारे में बोलते हैं, हम पाकिस्तान जाके उस इन चीजों के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी एक्टिविस्ट हैं उनको भागना पड़ता है। सबा इस्माइल अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है और उसने तो कुछ किया ही नहीं था, तो हमें ये जो जी मेरी बेगम अभी मुझे कह के गई है कि सादिया से कहें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है किसी भी लड़की के लिए, खातून के लिए, वो यही है कि पहले वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे ताकि वो जॉब करे तो कहीं पे वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो सकती है, अगर घर वाले सपोर्ट भी ना करें। और मेरे वो ये भी है कि जी एजुकेशन के अलावा भी बड़ा मुश्किल है लड़कियों का भी निकलना पाकिस्तान से, अगर इफ इवन वॉन्ट टू गो लीव पाकिस्तान इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आप निकल जाएं। बहुत मुश्किल है ये बात। तो ये एक क्वेश्चन भी आया था, पर एक एजुकेशन के बारे में भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर रट्टा मार के पढ़ाएंगे या ऐसे पढ़ाएंगे कि इस्लामी एजुकेशन देनी पड़ेगी, हम सबको ऑब्टेन करनी पड़ेगी, तो उस पढ़ाई का फायदा भी कोई नहीं है। मतलब डॉक्टरी पढ़ाओ, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाओ, अच्छी चीजें पढ़ाओ अपनी बेटियों को, ये नहीं करते वो। ये भी एक मसला है। सॉरी, ये राकेश की जो कमेंट थी मैं उस पर जरा टच करना चाहती थी, बिकॉज़ इट्स रेलेवेंट। राकेश, आई हैव लेफ्ट होम और मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ, काफी साल लगे थे ये करने के लिए। थैंक यू तुम्हारी कमेंट के लिए और तुम्हारी सुपर चैट के लिए, लेकिन उसमें भी मुश्किलात होती है, हर कोई ये सर्वाइव नहीं कर सकता। इट्स वेरी इजी टू से कि घर छोड़ दो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है, और मेरे पास भी पढ़ाई नहीं थी, मेरी पढ़ाई बंद की गई थी, मुझे पाकिस्तान फेंका गया था जब मैं 15 साल की थी, जब मेरे आखिरी एग्जाम चल रहे थे मुझे पाकिस्तान छोड़ दिया गया था, क्योंकि मैंने एक गोरा बॉयफ्रेंड रखा हुआ था उस दौरान, और वहाँ मेरे साथ काफी कुछ किया गया था। लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि मैं वापस जब पढ़ाई के दौरान गई थी, मैंने यहाँ भी एजुकेशन की क्वालिटी, मेरी यहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, तो करियर मैं अपने लिए नहीं बना सकी, वो समझने भी काफी टाइम लगा। तो दो चीजें हैं, हाँ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई की क्वालिटी की भी बात करनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये भी है कि हमको हमारी कम्युनिटी के साथ काम करने की जरूरत है, हमको हमारी कम्युनिटी को चैलेंज करने की जरूरत है। एक बड़ी अच्छी औरत और दोस्त है मेरी, फातिमा, यही काम करती है पाकिस्तान में, जाके पूछती है हमारे बापों से कि क्यों तुम अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते, बाइसिकल नहीं चलाने देते, क्योंकि लोग ताने मारेंगे, लोग हमें पूछेंगे, और उनको चैलेंज करती है। बड़ा अच्छा काम करती है वो पाकिस्तान में, पता नहीं कैसे कर रही है, क्योंकि
वहां लोग उसको कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी होती मैं तुम्हें मार डालता। तो ऐसी एनवायरनमेंट में वो काम कर रही है। एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वहां विल नहीं है। बाहर से ये होगा मेरे ख्याल से। ये कौन कह रहा है, हजरत स्पार्टकस पीस भी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक फातिमा जी नजर भी आ रही हैं। एक फातिमा जी मुझे नजर भी आ रही हैं। सादिया फातिमा जी मुझे नजर भी आ रही हैं चैट में। अगर ये वही हैं तो यू कैन गिव हर द लिंक एंड शी कैन कम एंड टॉक विद हर। अच्छा तो अच्छा ये और है। तो ये जो सारी सिचुएशन है वुमेन राइट्स का, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा इशू है। और पाकिस्तान में पेट्रियार्की तो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप यूके में देखें तो इवन के इस्लामिक पेट्रियार्की तो आपको वहां पे भी बड़ी स्ट्रांग नजर आ जाती है। तो किसी भी लड़की का एक तो एजुकेटेड होना ही बहुत बड़ा मसला होता है। ऊपर से अगर वो एथियस्ट भी हो तो वो उसके लिए उसकी जान के लोग ज्यादा बड़े दुश्मन बन जाते हैं। खासतौर पे एथियस्ट लड़कियों के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि उनकी किसी मुल्ला से शादी ना कर दी जाए। किसी नॉर्मल मुस्लिम से भी शादी कर दी जाए तो वो बड़ा ही मुश्किल काम है। शी कैन नॉट लिव विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ेगी तो खावंद पूछेगा तुम नमाज नहीं पढ़ती। वो रोजा नहीं रखेगी तो वो पूछेगा तुम रोजा नहीं पढ़ती रखती, तुमने ये किया है वो किया। हर छोटी छोटी बात में वो देखेगा, उसे पर्दा करने का कहेगा जी उसको, और 100 चीजें। तो अब क्योंकि आई एम एन एथियस्ट वी ऑल आर। हां सर, फनी सी एक बात छोटी सी ऐड करना चाह रहा था। तो कल जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैंने कल वो चीज लाइव एक्सपीरियंस की है कि वो मेरे से बात कर रही थी, अपनी सारी सिचुएशन बता रही थी। तो वो ना मगरिब का टाइम हो गया तो उसकी मम्मी आ गई कि मैंने खुद सुना कि जल्दी उठो बेटा नमाज पढ़ लो। तो ये सारी चीजें और इन सारी सिचुएशन में अगर अपने आप को कोई मेंटली तौर पे स्ट्रांग रख पाता है तो वो बहुत, उससे बड़ा बहादुर भी कोई नहीं है एक लड़की के लिए। मतलब उसको सोशली तौर पे, इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकली किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। फिर हमारी जो सोसाइटी है वो किस किस हद तक कंजर्वेटिव है। सादिया से एक क्वेश्चन ऐड करना था अगर गालिब साहब आप इजाजत दें। मुझे ये क्वेश्चन, मेरी तरफ से इजाजत दिया आपको लिया ही इसीलिए कि आप, बहुत शुक्रिया सर। सवाल करें, सवाल दो थे। एक तो सादिया ये कि आपको हम अपने मेरे चैनल पर कब देखेंगे, और दूसरा सवाल ये था कि मेरे चैनल पर बहुत सारी खवातीन इस ये आकर कमेंट करती हैं कि जो एक इस बात का जवाब मैं अपनी तरफ से तो देने की बहुत कोशिश करता हूं लेकिन शायद आपके पास कोई बेहतर जवाब मौजूद हो। बहुत सारी खवातीन ने ये आकर सवाल किया है कि एक वो मेंटालिटी भी हमारे सामने आती है जिसको कहते हैं कि वो गुलाम जिनको अपनी जंजीरों से प्यार हो गया है। अभी हमने कुछ अरसा पहले एक एपिसोड देखी थी, एक वो हारिस के साथ हुआ था, एक खातून बेबी ने बहस करने की कोशिश की और इस्लाम को जो है वो सच्चा दीन साबित करने की और इस्लाम में राइट्स दिए गए हैं। मैंने एक दफा एग्जांपल दी थी कि हारिस के चैनल में एक छोटी सी बच्ची आई थी, उसने हारिस के लिए एक रिकॉर्ड करवाया था मैसेज कि इस्लाम ने जो औरत को राइट्स दिए हैं ना वो ऐसे दिए हैं कि जैसे हम एक कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को अपने बराबर बैठ के कभी नहीं खिलाते, उसको पैरों में बिठा के उसको खाना जरूर देते हैं। वो छोटी सी बच्ची ने वो रिकॉर्ड किया था, वो मेरे दिल को छू गया था और वो शायद मुझे सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो इस तरह की मेंटालिटी के साथ किस तरीके से उनको जो है ना कोई 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 वे आउट हो जिससे उनको गाइड किया जा सके कि भाई जिनको आप चेन समझ रही हैं या जिनको आप हीरे समझ रही हैं बेसिकली वो गुलामी के तौक हैं जो आपने गले में बांधे हुए हैं। देखो एक एक बात है स्पार्टकस, पहले जब तुम बुलाओगे तो मैं डेफिनेटली आऊंगी। दूसरी बात ये है कि हमें हम ये जो कर रहे हैं ना, हम जो एथियस्ट करते हैं, हमें किसी को बदलने का चैलेंज नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहां से शुरू, वो तो नहीं लेते। अगर वो बदलना चाहते हैं ना तो वो हमारे मटेरियल से इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम वहां गए ना, जब तुम किसी को बार बार बताओगे कि तुम गलत हो वो नहीं बदलेंगे। ये मैंने डेफिनेटली देखा है। और हमारी कम्युनिटियों में हम औरतों के बारे में बहुत बात करते हैं जो औरतों पर जुल्म होते हैं, लेकिन बहुत औरतें जुल्म करती भी हैं। देखो मैंने बहुत बार पूछा है हमारी 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 एक्स मुस्लिम कम्युनिटी से कि
तुम्हारे घर में ज्यादा बुरा कौन है, मतलब ज्यादा पाबंदियां कौन लाता है, ज्यादा कंट्रोलिंग कौन है, माँ या बाप? और बहुत बार लोगों ने माँ कहा है, माँ ज्यादा ताने देती है, माँ ज्यादा कहती है कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, माँ ज्यादा पीटती है, ये सब सब माँ की माँ से ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से कि देखो इट्स इजी, यहाँ यहाँ लोग औरतें भी कंफर्टेबल हैं सवाल पूछना खुद से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी पूरी कम्युनिटी से, अपने फैमिली से। मुश्किल काम है, मतलब सब कुछ खो, एक बंदा सब कुछ खो सकता है ना। तो मसला ये है कि लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं, इसी वजह से हमारे घरों में जब बच्चे सवाल पूछते हैं उनको बचपन में ही बताया जाता है कि तुझे जिन लग गया है, तुम्हारे अंदर शैतान बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ गलती है, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, इसलिए तुमको मैं एक चीज बताती हूँ और तुम समझते नहीं हो। ये बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। इसी वजह से मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ ये करते हैं कि उनका ही दिमाग खराब कर देते हैं, कि जब बाय द टाइम दे यू नो टीनेजर्स इन देयर 20s, उन्हें पता है सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। ये बात है। और अभी एक और क्वेश्चन आया उदय की तरफ से। सॉरी जी सादी, आप कंप्लीट कर लें पहले, करें आप प्लीज। कंप्लीट कर लें अपनी बात। अच्छा, उदय की तरफ से क्वेश्चन आया कि क्या ये कहना राइट होगा कि पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट जो पर्दादारी और इन चीज़ों की वजह से रेप जो है वो कम होता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान में कोई रेप कम नहीं होता, पाकिस्तान में बल्कि ये ज्यादा होता है। क्यों? देखें, पाकिस्तान में तो रेप, मैं कहता हूं 99.99%, शायद शायद कोई 0.0001% शायद कोई रिपोर्ट होता हो, बाकी सारे तो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। क्योंकि रेप किन के होते हैं, आप देखें, किसी ऐसी औरत का रेप होगा जो कि ओपन आउटस्पोकन होगी तो शायद वो एक्सपोज भी कर दे बंदे को। आमतौर पे जो घरों में काम करती हैं उनके रेप्स होते हैं। गली में कोई बच्ची खड़ी है और बाहर घर से निकली है, उसका रेप, कोई दुकान में बच्ची कोई चीज लेने चली गई है, उसका रेप हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं महफूज, मदरसों में बच्चों के इतने रेप्स होते हैं कि हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन टू सच एक्सटेंट। ये चाइल्ड अब्यूज जो है, चाइल्ड अब्यूज भी तो रेप ही है ना, ये तो रेप से भी ज्यादा किसी। हाँ जी, फोनों पर कैमरे लगे हुए हैं अब, क्योंकि अब वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तान से, देख लो कितना जुल्म है। एक देख लो, एक कपड़ा तुम्हें महफूज नहीं रख सकता, फैब्रिक कांट कीप यू सेफ। बात है, बिल्कुल बकवास बात है। नो आई से नो, डेफिनेटली नॉट, सॉरी राकेश, नो डेफिनेटली नॉट। इस पे अगर, हाँ बोले बोले, सॉरी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। देख लो, ये एक फालसी है कि पर्दा और औरतें जो ज्यादा बोलती नहीं है, हंसती नहीं है, उनका रेप नहीं होता। रेप इज अबाउट कंट्रोल, रेप इज अबाउट पावर, एक सबक सिखाना है। इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स नॉट अबाउट सेक्स, लेकिन दिस इज अबाउट पावर, कंट्रोल एंड डोमिनेशन। एक कपड़ा एक औरत को महफूज नहीं रख सकता, जस्ट नहीं रख सकता। जब मैं पाकिस्तान में थी, मुझे ये भी बताया गया था कि अगर एक औरत का रेप हो और वो जाके पाकिस्तान में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी, द लाइकलीहुड इज कि पुलिस भी उनका उसका रेप करेगी। तो इस बिकॉज इट्स नॉट बीइंग रिपोर्टेड, इसका बिल्कुल के रेप रेप होते नहीं है। जो रेप विक्टिम है वो कहीं भी सेफ नहीं है। एक औरत जिसकी इज्जत लुट गई है, वो बिकॉज शी इज डैमेज गुड्स, हर कोई सोचता है कि मैं इसके साथ ज्यादती कर सकता हूँ अभी, क्योंकि अब तो कोई फायदा नहीं है इसका ख्याल रखने का, कि कौन शादी करेगा किसी किसी ऐसी लड़की से जिसका इस्तेमाल ऑलरेडी किया गया है। ये मसला है पाकिस्तान में, आई थिंक इंडिया में भी सिमिलर है ऐसी ऐसी चीज, ऑल्दो इंडिया इज बेटर बट ओनली मार्जिनली सो।
पाकिस्तान में या इंडिया में ये समझा जाता है कि अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो 99% कसूर उसका है, बल्कि 100% कसूर उसका है। शायद किसी को 1% कसूर का मार्जिन दिया था। हाँ भाई ये छोटे कपड़े पहने थे इसलिए रेप हो गया। हाँ भाई ये घर से क्यों निकली थी रेप हो गया। हाँ भाई ये फलां बंदे के पास खड़ी क्यों सी रेप हो गया। ये उस पोजिशन में इसने अपने आप को क्यों पुट किया था कि इसका रेप होता। मतलब हमेशा ये कहा जाता है कि यू आर द मेन रीजन वाई यू हैव बीन रेप्ड। ये नहीं कहा जाता कि रेपिस्ट जो है उसका कसूर है कि उसने रेप किया। पाकिस्तान में तो यही है, कोई भी किसी लड़की को होता है, किसी की लड़की के साथ कुछ हो जाता है, किसी खातून के साथ कुछ हो जाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड हर क्या उसको कहते हैं, उसका कसूर समझा जाता है। आदमी जिसने किया उसका नहीं कसूर समझा जाता। इवन के बच्चों तक को आजकल लोग इस तरह ब्लेम कर रहे हैं। एरिया है ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, वो माइंडसेट वो एक ही है उस जगह का। क्योंकि जो दिल्ली रेप केस हुआ था मेरे ख्याल से काफी साल पहले हुआ था अब, हाँ हाँ हाँ, तो वो जब हुआ था वो जो रेपिस्ट थे ना उन्होंने भी वो खुद बड़े फखर से कह रहे थे, वो बाहर निकली हुई थी एक अपने घर वाले के बगैर बाहर निकली हुई थी, तो हमने सबक सिखा दिया लड़की को, जैसे उनका हक है। नहीं वो घर वाले के साथ नहीं थी, निर्भया केस की अगर आप रेफरेंस दे रही हैं तो निर्भया आपने अपने दोस्त के साथ थी और वो दोस्त के सिनेमा से निकली थी, तो वो कह रहे थे कि अगर इसके साथ घूम सकती है, अयाशी कर सकती है, तो हमारे साथ क्यों नहीं। लेकिन ये है कि उस इंडिया ने उस केस को जो है ना मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। अभी मेरे ख्याल में लास्ट मंथ जो है वो अलग बात है कि कैपिटल पनिशमेंट के हम अगेंस्ट हैं, लेकिन वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है। एक चीज अगर मुझे इजाजत है तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, विक्टिम ब्लेमिंग जो है हमारी तीनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी ये देख लें, ये इस केस में देख लें, विक्टिम ब्लेमिंग हुई। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक छोटा सा सिनेरियो चल रहा है, वो एक मेरे ख्याल में अमेरिका की ब्लॉगर है या वो जर्नलिस्ट है, क्या नाम है उनका, वो काफी सियासतदानों पर इल्जाम लगा रही, सिंथिया रिची। देखिए सर एक मिनट, अभी यहाँ देखें, आपने भी वर्ड यूज किया इल्जाम, ठीक है। बात यह है कि वो कोई भी औरत है, कोई भी लड़की है, चाहे वो किसी कोठे या किसी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर से भी उठकर आ रही है ना, जब वो ये कहती है कि मेरा रेप हुआ है, वहां विक्टिम ब्लेमिंग खत्म हो जाती है। दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब हमारी जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है ये चीज, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल वो क्या है, और फिर एक आर्मी वाला जो है वो एक मतलब बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। मैं एक बात कहूँ, ये मसला भी बन गया है कि इस मामले को खामखा पॉलिटिसाइज हो जाएगा ना। नहीं, एक मिनट करें बात आप। गालिब साहब एक मिनट, बात ये है कि हमें ये चीज मालूम है कि वो उसके आर्मी के साथ जो है वो कनेक्शंस हैं, हमें ये चीज मालूम है कि आर्मी उसकी बैक कर रही है, हमें ये चीज भी मालूम है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो डिक्लेयर कर रही है वो उसको आर्मी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हम ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि रेप, आई वॉज रेप्ड, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मीडिया पर आकर, इस तरह टेलीविजन पर आकर, मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा बाकी सिनेरियो के साथ। बाकी सिनेरियो जो पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान में हर रोज साहिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में चिल्ड्रन राइट्स के लिए काम करती है। साहिल की ऑर्गेनाइजेशन ने ये बहुत अपने रिसोर्सेज के साथ ये चीज प्रेजेंट की थी कि 10 बच्चे डेली रेप होते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन है। और इसके अलावा एक और चीज जो एक पैटर्न पिछले कुछ 2-3-4 सालों से सामने आया है, ज़ैनब रेप केस के बाद से जो सामने आया है वो ये आया है, सरकार पाकिस्तान में मामू अपनी भांजियों का रेप करते हैं जी, भाई अपनी बहनों का रेप करते हैं, बाप अपनी बेटियों का रेप करते हैं। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले वो एक वीडियो बनाई थी कोरोना से रिलेटेड या पता नहीं किस चीज से रिलेटेड, तो उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया था, वो कुछ चंद केसेस मैंने दिखाए थे। सादिया का और मेरी जब लास्ट टाइम बात हुई थी ना, तो सादिया ने मुझे प्राइवेटली कहा था कि मैं इस चीज पर काम कर रहा था, ये एक लिस्ट निकालने पर मैं काम कर रहा था और मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन केसेस को सामने ला सकूं, उन केसेस पर बात कर सकूं। और
बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है ये। और दूसरी चीज जो सादिया ने पॉइंट आउट की थी वो ये थी कि जिसका अगर किसी के साथ कुछ इस तरह का हो जाता है, उसकी सारी जिंदगी एक तो इधर से बर्बाद हो जाती है, दूसरी उधर से बर्बाद हो जाती है कि बेटा खानदान की इज्जत का मामला है, चुप हो जाओ, रिपोर्ट नहीं होते भाई। 90% केसेस पाकिस्तान में सिरे से रिपोर्ट ही नहीं होते, उनका कोई स्टैट्स ही अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हॉस्टाइल सोसाइटी है। मेरा ख्याल है कि अगर रिपोर्ट होना शुरू हो ना केसेस, तो जितने रेप पाकिस्तान के अंदर होते हैं शायद ही दुनिया में किसी में होते हो। एक और चीज जो दूसरी है, चलो ये तो अलग हो गई, एक चीज है मैरिटल रेप। अब पाकिस्तान में कितनी शादीशुदा लड़कियों को पता होगा कि मैरिटल रेप भी कोई चीज होती है? पता ही नहीं है उनको कि मैरिटल रेप भी कोई चीज है कि नहीं है। नहीं, उनको तो बताया जाता है अगर तुम्हारा शौहर तुमसे मांगेगा तो तुम्हें देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, इस पर कोई डिबेट ही नहीं होती। उस पर तो हदीसें भी है ना बहुत सारी, उसमें तो खैर रिलीजन का भी बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि नॉलेज का ये सिचुएशन है कि लड़कियों को पता ही नहीं है, खवातीन को पता ही नहीं है कि मैरिटल रेप भी कोई चीज होती है। जी सादिया, एग्जैक्टली। और देखो एक इम्पोर्टेंट बात भी है इसमें, हमको जो किसी कोई भी जुल्म है, कोई भी क्राइम है, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ इंग्लैंड में ये हुआ था, दैट्स माय पॉइंट। यस, सिंथिया के मामले में भी दैट्स माय पॉइंट कि इसको पॉलिटिसाइज मत किया जाए। जी एग्जैक्टली, क्योंकि जब पॉलिटिसाइज किया जाता है तो जो विक्टिम है, जिन पर जुल्म किया गया है, उनको कभी जस्टिस नहीं मिलती। यहाँ यही एक मसला हो गया था इंग्लैंड में, ये जो फार राइट ग्रुप थे ना, लाइक द ब्रिटिश नेशनल पार्टी, उन्होंने ये जो ग्रूमिंग गैंग का मसला था उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो उसका ये मतलब हुआ कि कई सालों तक जो विक्टिम थे इस मसले के, उनको जस्टिस नहीं मिली। इसीलिए जब हम किसी क्राइम के बारे में बात करते हैं ना, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स जो है या पॉलिटिक्स जो है, उनको एक 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 साइड में रखकर उस क्राइम के बारे में बात करना चाहिए, और कैसे उस मसले को हल करना है उसके बारे में बात करना चाहिए। इट शुड बी apolitical, any crime, discussions about any crime should be completely apolitical, वरना victims को justice नहीं मिलती। और एक दूसरी बात भी है कि जो पुलिस है, जो कोर्ट है, जो लॉ मेकर हैं, उनको पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये एक मसला है, इसका हल हमने ऐसे करना है, इतनी सी बात होनी चाहिए और नहीं। बात तो सही है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस क्राइम पर बात करनी चाहिए, पॉलिटिक्स से। मुझे इससे तकलीफ होती है सादिया, उसी से तकलीफ होती है कि मैं हमेशा से जो पाकिस्तान की जो लेफ्टिस्ट्स हैं, इनको इनसे मुझे बहुत ज्यादा होप्स होती हैं कि ये लोग जो है ना, ये कभी कभार स्टांस भी ले जाते हैं रिलीजन के अगेंस्ट जो है, या जो रिलीजन को जो टूल्स यूज किए जाते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर, जो यूज किया जाता है रिलीजन को, उसके अगेंस्ट स्टांस ले जाते हैं। लेकिन इस मामले में जो हमने देखा है ना, पाकिस्तान में मजहब से बड़ी जो बीमारी है सादिया, वो शख्सियत परस्ती वाली बीमारी है। इमरान खान के फॉलोअर को देख लो, जो उनको कुछ यूथियां भी कहते हैं, वो इमरान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते। जो नवाज शरीफ के फॉलोअर है, उनको पटवारी कहा जाता है, वो पटवारी इमरान खान के अगेंस्ट, वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते। फिर बूट पॉलिश जो है, वो आर्मी के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं सुन सकते। जो जो लेफ्टिस्ट है, वो बिलावल के अगेंस्ट, जरदारी के अगेंस्ट, या बेनजीर भुट्टो के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जो मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो किसी शख्सियत से या हमारे पॉलिटिकल जो जिसको आइडियलाइज करते हैं, वो हमारे पॉलिटिकल आइडियल से बड़े होने चाहिए। हमारा जो लिबरल और सेकुलर जो लेफ्ट का है, वो शिकार है, तो इस मुल्क का क्या होगा? और तो ये रहेगा एथियस्ट, ये जुर्म हो गया। यस, आई एग्री 100%। पॉलिटिकल, ये जो एथियस्ट कम्युनिटी में है, ये भी मसला हमारी कम्युनिटी में भी आ गया है। अगर तुम एक लेफ्ट विंग एथियस्ट नहीं हो, तो तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो तुम्हारे साथ बात ही नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी एग्जैक्टली। तो तुम्हारी, और देख लो,
पाकिस्तान में जो राइट विंग एथियस्ट है उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है, मतलब इनके इन लोगों के दिमाग में बिल्कुल कीड़े आ गए हैं, सोचते नहीं। हमारी एथियस्ट कम्युनिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ अभी, तो हर चीज को एक्चुअली सच के बारे में बात करना चाहिए, ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप वेस्ट में लेफ्ट को देखें तो लेफ्ट जो है वो उसने उसके साथ जो है वो मुस्लिम्स ने बड़े क्लोजली अपने आप को अलाइन कर लिया है। अब देखें जैसे कि अब यूके में अभी हुआ एक प्रोटेस्ट जो कि यूएस वाली सिचुएशन पे हुआ, और उधर एक शिया इमाम जो है वो उधर खिताब कर रहा है, ही इज गिविंग अ सरमन एंड ही इज सेइंग के जी बिलाल हबशी जो था वो रसूल अल्लाह का जो है वो साथी था और बड़ा क्लोज कंपेनियन था, और जी वो तो जी लोग उसको सैयदना बिलाल कहा करते थे, और जी हसाबा जो थे उसे सैयदना बिलाल कहा करते थे। मतलब ही इज ट्राइंग टू सेल हिज इस्लाम इनटू दैट, और वो जो लेफ्टिस्ट हैं सारे वहाँ पे, अब आई एम रियली सॉरी टू से, मैं खुद लेफ्ट का ही अपने आप को कंसिडर करता हूँ, वो जो है वो उधर क्या उन्होंने किया, वो उन्होंने उसको उधर इन्वाइट किया और वो इस तरह की बात कर रहा है, तो भाई उधर कम अज कम को ये किया भी खड़ा होकर बता देता, रसूल अल्लाह के तो खुद भी गुलाम थे और लौंडियाँ थी, रसूल अल्लाह वाज हिमसेल्फ अ स्लेव ट्रेडर, उन्होंने एक वो उधर जो ब्रिटिश स्लेव रखने वाला आदमी था उसका उन्होंने मुजस्मा जो है दरिया पानी में डाल दिया, तो जरा कुरान की एक कॉपी भी पानी में डाल देते या फिर कोई एक मस्जिद से कोई एक आधी ईंट ही उतार के डाल देते उस पानी के अंदर के हाँ भाई तुम भी, तुम्हारा भी जो रसूल था वो भी स्लेव ट्रेडर था, तो दैट वुड हैव बीन रियली नाइस, मगर नहीं किया उन्होंने, क्या किया? सीधा सीधा सवाल पूछना चाहिए ऐसे लोगों से, चलो तुम्हारी बेटी हाँ, की शादी हाँ, करोगे यहाँ किसी भी काले बंदे से और पागल हो जाएंगे वहाँ। हाँ, बिल्कुल, अपनी बेटी की जब बात हाँ, होती है ठीक है, बेटों की तो नहीं बात करने की जरूरत, क्योंकि बेटे तो किसी से भी शादी कर सकते हैं, बेटियों की शादी एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्टली तो बेटी की तो शादी कभी भी नहीं करेंगे वो। मुझे इजाजत दीजिए, आपकी मर्जी है सर, आप रहना चाहें तो आप रह सकते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं जरा जाके अपना आटा शाटा गूंथता हूं। अच्छा चलो जी ठीक है, सही है, खत्म हो जाए आप आटा गूंथने जाके बैठ के बात करेंगे जी, ठीक है, हाँ जी चलो ठीक है, सही है, चलो ठीक है। अच्छा जी ये क्वेश्चन आया है जी, आई स्टिल थिंक इंडिया इज वर्स देन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू वुमेन सेफ्टी, never heard of delhi like case in pakistan, northeast india and tamil nadu are bit safer, nahi pakistan main nahi kahunga ki pakistan behtar hai, pakistan mein bhi wahi situation hai, same hi idhar bhi rape aur murder ke cases bahut zyada hain, wo ek aisa case tha jo ki bada properly document ho gaya tha, pakistan mein bhi abhi takriban 2 maah pehle main dekh raha tha islamabad mein ladki ka rape karke, college ki ladki thi usko road side islamabad mein phenki hai uski lash, तो आप बताएं कि जिस तरह दिल्ली जो है वो इट इज़ द मेन सिटी ऑफ पाकिस्तान इंडिया, इसी तरह इस्लामाबाद इज आल्सो अ मेन सिटी, और वो लड़की की लाश उधर फेंकी हुई है, तो व्हाट डू यू थिंक उसके साथ भी क्या कुछ नहीं हुआ होगा मसला, तो आई डोंट थिंक के जी इट इज गोइंग टू बी सेफ, लेकिन हमें कंपेयर करना चाहिए कौन किस मुल्क से बुरा है, मसले दोनों मुल्क में है एक ही जैसे, क्योंकि आइडियाज ख्यालात एक ही है दोनों मुल्कों में, ठीक है, मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी में हम बदलाव कैसे ला सकते हैं, वही केसेस हमने जैसे गालिब ने कहा है वही केसेस हमने इंडिया और पाकिस्तान में एक जैसे ही देखे हैं, ठीक है, सिर्फ जैसे तुमने कहा कि उस केस को पता नहीं क्यों इतनी पब्लिसिटी मिली, क्योंकि 2 हफ्ते बाद, इस केस के 2 हफ्ते ही बाद एक ऐसा ही केस हुआ था, एक विलेज में हुआ था, इंडिया के विलेज में, और उन्होंने जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया, एक न्यूज रिपोर्ट आई थी उसकी, वो भी एक रिटन न्यूज रिपोर्ट, राइट, और दिल्ली रेप पूरी दुनिया को हिला गया, पता नहीं क्यों कोई केस इतनी पब्लिसिटी, लाइक कुछ केसों को इतनी पब्लिसिटी मिलती है और दूसरे केसों को क्यों नहीं, दैट्स जस्ट पॉट लक समटाइम्स, लेकिन इशू वही है तीनों मुल्कों में मेरे ख्याल से,
बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया एक ही मुल्क जो होते थे, मसला एक ही है और हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, एटीट्यूड शिफ्ट करनी पड़ेगी वहाँ कि एक औरत को अपने जिस्म पर पूरा हक है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करेगी, किससे शादी करेगी। ये शादी वाला मसला बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से, क्योंकि क्योंकि इतना कुछ रेस्ट करता है कि तुम एक लड़की की शादी हो सकती है कि नहीं। मतलब औरतों को एक कमोडिटी सी बना रखा है कि ये एक अच्छी सबसे अच्छी लड़की ये है तो इसकी वैल्यू और है, ये इतनी लड़की ये इतनी अच्छी लड़की नहीं है तो इसका वैल्यू कम किया गया है। तो ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। ये देखें एक कमेंट भी आया अविनाश आचार्य की तरफ से, थैंक यू फॉर द सुपर चैट, कह रहे हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इज मोर साइकोलॉजिकल थिंग देन अ कल्चरल और रिलीजियस। A proper upbringing of boys of a young age until teenage is only solution. Sexual adventures happen in mind. The body is used just to execute. तो इस बारे में सादिया आप क्या कहेंगी? I don't think so. I don't think so. क्योंकि अगर ये हो, it just no. I don't think so. हमारी religion और culture जो कुछ इनपुट डेफिनेटली है, अगर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल होता तो वही हम पूरी दुनिया में देखते हैं, वही बिहेवियर हम पूरी दुनिया में देखते हैं। हमारे मुल्कों में जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सो रिलीजन एंड कल्चर मस्ट बी अ कंपोनेंट बिकॉज इट्स बिल्कुल ये तो है यू नो। तो अच्छा एक बात जो मैं सब लोगों को भी इधर कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं इस वीडियो के लिंक में जो लोग इसे मेरे चैनल पे देख रहे हैं वो सादिया के चैनल का पाकिथिस का जो है वो लिंक मौजूद है और जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन रखें ताकि आपको चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलें, क्योंकि सादिया भी काफ़ी लाइव स्ट्रीम करती हैं तो अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करेंगे तो आपको लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने ऑल नोटिफिकेशंस का बटन जो है वो क्लिक करना है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट जो आता है वो मिस ना करें। आजकल मैं ज़रा सिर्फ लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही गुजारा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो कंप्यूटर जो है वो नहीं है जो कि इसको करेगा एडिट वीडियोज़ को। तो अभी कुछ दिनों बाद में मुझे जब जो आप लोगों ने जो मेरी हेल्प की वो पैसे रिसीव होंगे तो फिर मैं जाके कंप्यूटर खरीदूंगा, उसके बाद फिर मेरी जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो भी आती रहेंगी। तो सादिया वैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की जनरल मासेस को, इंडिया की जनरल मासेस को, कि हमारी सोच को बदलना कहाँ से है? और अगर हम इन जनरल सोसाइटी की बात करें, सिर्फ मैं ये मुस्लिम्स या किसी और की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल हमारे सब कॉन्टिनेंट कल्चर की बात करता हूँ कि हम लोगों ने कहीं औरत को अभी तक बाकी दुनिया से बहुत पीछे एक जो है वो वैल्यू दी हुई है, तो हमें इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है इन द एंड? बिकॉज अगर हम ये समझ दें कि कल को हमें जापान से मुकाबला करना है या US से मुकाबला करना है या दुनिया के किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री से, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से मुकाबला करना है, तो हमें औरत के राइट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और किस लेवल तक हमें उनको लेके जाना है, और रिलीजियस नार्सिसिज्म जो हमारे अंदर एक एग्जिस्ट करता है कि मर्द जो है वो औरत से ऊपर है, औरत मर्द से नीचे है, उस चीज को नलिफाई कैसे किया जा सकता है, और बेटियों की और बेटों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग? पहले तो एक ही कॉमेंट है कि सुधर जाओ, पाकिस्तान में सुधर जाओ, हमारे मुल्कों में सुधर जाओ। दूसरी ये बात है कि औरतों को उनके पूरे हकूक ना देने की वजह से ये मुल्क अपनी फुल कैपेसिटी तक नहीं आ सकता, क्योंकि देख लो एक मुल्क की डेवलपमेंट और औरतों के हकूक में एक लिंक जरूर है। देखो आधी वर्कफोर्स घर बैठी है तुम्हारी, उनको बाहर लेके आओ, उनको इंडिपेंडेंस दो। दूसरी ये बात मेरे ख्याल से, और ये जो पाकिस्तानी यहाँ आते हैं ये उनका माइंडसेट यहाँ भी है कि ये जो गोरे हैं वेस्टर्नाइज्ड वैल्यूज हैं उनसे इतनी नफरत करते हैं ये, लेकिन पैसे इनके वो क्वाइट कंफर्टेबली खाते हैं, ठीक है।
तो ये इनका माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि ये लोग इनके दुश्मन हैं, जो जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं दुश्मन है, पैसे इनके खाते हैं और इनसे दुश्मनी भी रखते हैं. इट्स रियली ऑड. और कंपैरिजन करते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ की औरतों के साथ के नंगी घूमने लग पड़ेंगी अगर अगर बच्चियों को पढ़ा दिया. नॉट नेसेसरली, यहाँ की बहुत सारी मुसलमान लड़कियां पढ़ लिख जो जाती हैं नंगियां तो नहीं घूमती, पर अपनी औरतों को पार्टिसिपेट करने दो अपनी सोसाइटी में. तुम उनको जो बाहर रखते हो, तुम अपने पूरे मुल्क और पूरे खानदान और पूरी कम्युनिटी का नुकसान करते हो. देखो हमारी औरतों को जो गॉसिप करने का शौक है क्यों करती हैं? हमारे घरों में जो क्या करती हैं, मतलब मिर्च मसाला लाके जो बातें करती हैं, जो गीबत करती हैं, क्यों करती हैं? क्या क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? इसकी वजह ये क्योंकि घर बैठी है, कुछ कर नहीं सकती वो, तो उनको 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 मतलब स्टर करने के अलावा कुछ और करने का टाइम ही नहीं है. Yeah, that's fine. लेकिन औरतों को पार्टिसिपेट करने दो, उनको बिजी रखो, उनको पूरे मुल्क में कंट्रीब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी दो. यही बेहतर चीज है पूरे मुल्क के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए, सही इक्वालिटी के लिए. उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी और एजुकेशनल इक्वालिटी की जरूरत है. और अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ा के शादी करवानी है, बच्चे पैदा करवाने हैं, तो I don't even know what to say about that. It makes no sense. क्यों पढ़ाते हो? बिल्कुल, ये तो है बात. अच्छा, बिल्कुल, फिर पढ़ाने का क्या फायदा अगर उसने डॉक्टर बन के घर बच्चे ही पालने हैं, उसने हॉस्पिटल में जॉब नहीं करनी लड़की ने, तो फिर उसको आप डॉक्टर क्यों बना रहे हैं? आप उसको मैट्रिक के बाद फिर उसकी शादी कर दें ताकि वो कुछ ना करे. बात यह, वैसे तो उसके साथ ज्यादती है कि उसको पढ़ाया ना जाए, और अगर वो पढ़ी है तो फिर उसके साथ ये भी ज्यादती है कि वो अपना प्रोफेशन ज्वाइन ना करे. उसे अपना प्रोफेशन ज्वाइन करना है. ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है. तो सादिया, अगर आपकी इजाजत हो तो हम फिर कुछ लोगों को कॉल पे लेते हैं अपने साथ, वो एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, कोई 20-25 मिनट्स का एक सेशन इस तरह का कर लेते हैं. और उसके बाद तो मैं आपको ये चैट में लिंक दे रहा हूँ, तो अपने क्वेश्चंस को प्रिसाइज रखिए. कोशिश करेंगे हम के हर बंदे को 3-4 मिनट का टाइम दें हम, और इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन ना करें. और बस जो है वो हम आप क्वेश्चन करें, आप सादिया से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे इसको कंक्लूड करेंगे हाफ एन आवर में, क्योंकि सादिया भी काफ़ी बिजी होती हैं तो इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता. तो चलेंगे, लिंक है, तो जो ज्वाइन करना चाहे चैट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो, और फिर हम इसको चलेंगे. अच्छा जी, ये कोई के पी साहब हैं जी, इनको लेते हैं अभी, यही आए हैं. हेलो. अरे यार आपकी, हाँ जी कैसे हैं जी आप? आप जरा अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए, और ज्यादा लंबा क्वेश्चन ना कीजिएगा, उसे प्रॉपर तरीके से फ्रेज कीजिए ताकि उसका फिर हम आंसर देते हैं. हाँ जी, मैं इंडिया से हूँ. मैं इंडिया से हूँ. अच्छा जी. अरे यार आपकी आवाज ठीक आ रही है. हेलो. हेलो. यहाँ मुसलमानों ने क्वेश्चन कीजिए. बच्चे पैदा बहुत करते हैं. हेलो. अरे यार ये तो अब आप एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं. हम आज वुमेन हिंदू बस. अरे यार, अच्छा ये प्योर विजडम साहब से बात करते हैं. हेलो. हेलो. नमस्ते गलीब. नमस्ते गलीब जी. हाँ जी नमस्ते. कैसे हैं जी आप? कैसे हैं जी आप? ठीक हूँ, ठीक है. ऐसा दिया. अच्छा. हाय. अच्छा, जस्ट एक बात पूछनी थी. क्या इंडिविजुअल्स कैरेक्टर विच इज फोर्टिफाइड बाय कल्चरल एज वेल एज रिलीजियस सैंक्शन गोस अ लॉन्ग वे इन आई मीन गिविंग सेफ्टी टू वुमेन इन जनरल? बिकॉज आई मीन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर इज वन थिंग एंड विच हैज गॉट अ सैंक्शन ऑफ द कल्चर एज वेल एज सैंक्शन ऑफ द रिलीजियस
one dimension to it. So what's your question? बिल्कुल सादिया समझ गई आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक डायमेंशन ये होती है. आप उर्दू में ही पूछते क्वेश्चन तो अच्छा था. अच्छा बेसिकली अच्छा. मेरे ख्याल है जो जितना आप पूछना चाह रहे हैं वो यही है कि जी दो डायमेंशन एक इंसान के कैरेक्टर की होती हैं, एक रिलीजियस और एक कल्चरल. तो क्या आप समझती हैं कि कल्चरल और रिलीजियस डायमेंशन जो है वो दोनों एक बराबर है या एक डायमेंशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मेरा बात था कि वुमन को सेफ्टी देने के लिए हम लोग को एक कैरेक्टर की जरूरत है, एक अच्छे कैरेक्टर की जरूरत होती है. अगर किसी सोसाइटी में मतलब इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर ही कुछ बुरा हो और ऊपर से उसको रिलीजियस सैंक्शन मिले, मतलब जो वुमेन के अगेंस्ट इनविकलिटी इनविकलिटी या फिर उनको कम आंकना उनसे, मतलब बाकी के जनरल नॉर्मल मैन से, जी. तो ये क्या है रिलीजियस और कल्चरल डायमेंशन उसको फोर्टिफाई करता है, यानी मतलब उसको सपोर्ट करता है कि हाँ, हाँ. आप जो कर रहे हो सही है. अच्छा बेसिकली हाँ बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो औरत की सेफ्टी के लिए कैरेक्टर की जरूरत है कि आदमी जो है वो कैरेक्टर वाला होना चाहिए. तो क्या ये जो एक अजीब किस्म की सिचुएशन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है इसको रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट जो है वो फोर्टिफाई करता है या नहीं करता, जो बिहेवियर औरत के लिए लेके सोसाइटी में है? हाँ, बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि करता है, जो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, रिलीजन का भी उसमें पार्ट है, सोसाइटी का भी उसमें पार्ट है. ठीक है, तो चले मैं आपको भी फिर इधर से मूव करता हूँ, फिर मैं किसी और को लेता हूँ. आपका बहुत शुक्रिया. ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात करेंगे. थैंक यू. ओके, थैंक यू. अच्छा जी, इधर वट एवर साहिबा हैं जी, तो चलें हम एक मुल्हिदा को भी ले लेते हैं. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी आप? सुनाएं. बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बस जी हम ठीक हैं. तो चलें, आज सादिया हैं तो फिर अब आप एक वन एथियस्ट फेमिनिस्ट टू अदर एथियस्ट फेमिनिस्ट क्या बात करेंगी? सही बात है. मैं वैसे तो आजकल इन चीज़ों से बिल्कुल हटी हुई थी. मैं सोचती हूँ कि मतलब कुछ प्रैक्टिकल वाली साइड पे बंदे को जाना चाहिए. इन चीज़ों का एंड रिजल्ट कुछ नहीं है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में. तो आज मैंने सादिया नहीं, वैसे सादिया तो बहुत कुछ प्रैक्टिकली कर रही हैं. ये देखिए, ये ठीक है, हमारा एक राइट है, हमने एक जिंदगी एक चीज पे अगर गुजारनी है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई रिलीजन पे गुजारना चाहता है तो गुजारे, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हमें सिर्फ थोड़ा सा पेस चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए अपने लिए, कि हमें उस नजर से ना देखा जाए कि हाय ये बुरे हैं या ये नापाक लोग हैं या ये मुर्तद हैं, इस तरह से ना हमें देखा जाए. जब हम तुम्हें कैटेगराइज नहीं कर रहे तो हमें क्यों किया जाता है किसी भी बात पे? तो मुझे कोई फर्क नहीं है कि कोई रिलीजन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन कम अज कम उसको लर्न तो करो ना कि वो सही है. हाँ, अब औरतों की अगर बात करें तो उनको करेक्टराइज किया जाता है चीजों पे. लड़की ने गले में दुपट्टा लिया है तो वो बुरी है, सर पे लिया हुआ है तो ठीक है, बुर्का पहना हुआ है तो ठीक है, और उस अगर उसने नहीं किया वो तो वो गंदी है, वो बुरी है. मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो घरों से बुर्के पहन के निकलती थी और यूनिवर्सिटी में जाके वो उतार देती थी, और उनके हुलिये ऐसे होते थे कि हम मतलब ठीक है, उनको जज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं के नजरिए से देखा जाए तो वो एक वल्गैरिटी के तौर पर उनको देखा जाएगा कि वो घर से क्या करके जा रही है और बाहर जाके क्या कर रही है. मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इन चीजों पे किया नहीं था. मुझे एक बार मेरी वालदा ने कहा जब मैं उम्रे से होके आई थी कि अपना सर कवर करके तुमने ऑफिस जाना है, तो एंड आई वाज लाइक मैं जिस हुलिये में आपके सामने जा रही हूँ ना, मैं इसी हुलिये में आपको वहां मिलूंगी. ऐसा ना करो मुझे कि मैं यहाँ से दुपट्टे पहन के जाऊं और वहां जाके मैं दुपट्टा उतार दूं, मुझे ऐसा मत बनाओ, मैंने मुनाफिक नहीं होना. और तो तुमने ही अपने माँ बाप से ये बात की थी ना, तो ये अच्छी बात है. सारी कुछ ऐसे हैं जहाँ वो बच्चियाँ आपको माँ बाप से ये बात ही नहीं कर सकती ये, लेकिन मेरे मेरी मेरी ओपिनियन में ये माँ बाप की गलती है. ऐसे घर ही मत बनाओ जहाँ तुम्हारी बेटियाँ तुमसे बात ही नहीं कर सकती, ये बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं है. लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि तुम अपनी माँ बाप से ये बात कर सकती है. और रिसेंटली जी जी
और कर सकती थी, लेकिन हमें एक ऐसी एनवायरनमेंट बनानी चाहिए पाकिस्तान में कि हर बच्ची अपने माँ बाप से खुल के बात कर सके और उनके माँ बाप उनके पास ही खड़े हों, बोलना करें, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। ये माँ बाप की गलती है, बाहर घर वालों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी घर वालियों को बस के नीचे कुचलने देते हैं अपनी बच्चियों को। माँ बाप की गलती है ये कि वो अपने बच्चों को नहीं सपोर्ट करते हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से अ वीक अगो, आई टोल्ड माई मदर दैट आई डोंट बिलीव ऑन योर रिलीजन। मैंने खुली बात की, था वो थोड़ा सा इमोशनल टाइम, लेकिन मैंने उनको बात बता दी। बताने के बाद तो जब मैंने उनकी शक्ल देखी और मुझे देख रही थी, तो एक मिनट के लिए तो मेरी फट गई, लेकिन उसके बाद ही सेड कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मैंने जी ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे गुस्सा इतना था, कोई बात इस तरह की थी जिसमें मुझे गुस्सा था, तो मैंने उनको सुनाई। मैंने कहा मतलब मैं समझती हूँ कि मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर सकती किसी चीज पे। आई वॉज अ किड, लाइक 4-5 साल, 6-7-8 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि अगर आपको कोई टच करा है तो आपको वो कोई बैड टच है या गुड टच है, आपको नहीं पता, हमारे में बात ही नहीं करते हैं। तब मैंने इनको सुनाया, मैंने कहा Exactly. आपसे आज बात कर रही हूँ, दैट पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू अस इवन नाउ, तो मैंने उनका बताया, मैंने कहा ही यूज टू टच मी लाइक दैट, एंड ही सेड तुमने बताया क्यों नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने कभी बताया था कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, या इस तरह कोई आपसे करेगा तो हमने क्या बताना है आपको? मुझे तो पता ही नहीं था ना कि हम लोगों को बताया ही ये बात गई है कि मतलब आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, तो मुझे तो पता ही नहीं ना कि वो बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तो तब मैंने सुनाई, एंड ही वाज शॉक कि ये तुम क्या बातें कर रही हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है, तुमने बताया क्यों नहीं, और ये वो। मैंने कहा अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का, कि मतलब अब वो टाइम गुजर गया है जिन पे ये बातें होनी चाहिए थी, एक्चुअली ये बात होनी चाहिए थी और मुझे पता होता तो ठीक है, और ये है वो है। अब सिगरेट्स की बात करें, मेरा भाई, दोनों भाई सिगरेट पीते हैं और उनको पता है कि पीते हैं, एक दफा कहीं मेरे बैग में से भी निकल आई तो खैर मैंने फिर बोला, मैंने कहा मतलब उनके लंग्स जितने खराब होंगे तो मेरा भी उतना ही खराब होने, और वो, और मैंने कहा ये है भी नहीं, मेरी भी नहीं है। वो इत्तफाक ये हुआ कि मेरे भाई की 2 सिगरेट्स मेरी मामा को मिली और उन्होंने ना मुझे पकड़ाई कि अपने पास रख लो, ये आएगा तो मैं इससे पूछूंगी, तो वो वहीं की वहीं पड़ी हुई थी, वो मैंने ना छेड़ी ना कभी उठाई ना कुछ, और मैंने उनकी नहीं छेड़ी। ठीक है कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मेरे पास होती है, तो वो निकली। मैंने कभी देखो, पहली बात तो ये कि मेरी नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर मैं पीती भी हूँ तो ये सेम बात है कि उनके भी उतने ही लंग्स खराब होने जितने मेरे होने हैं, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपकी कि मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं पी सकती। अब हम लोगों के घरों में देख लें कितनी ज्यादा ये बात है कि हम यार खाना हमने भी पकाना है, हमने खाना भी है, और बर्तन उठाने किसने, सिर्फ हम ही ने, बंदों ने से बैठ के खाना है, क्या क्या पहाड़ तोड़े हैं उन्होंने, कुछ भी नहीं करते वो। अब मैं अपने भाइयों की बात करूं तो वो खाना खा के प्लेटें यूं रख दी, उठा लो, मैं तुम्हारी नौकर लगी, मैं तुम्हारी प्लेटें उठाऊं बैठ के, तुम्हारे तुम पानी ला के, तुम्हें तुम्हारी गुलाम हूँ यहाँ पे कोई, तुम्हें हाथ पाओ नहीं मेरे में, तुम नहीं कर सकते, यहाँ के काम होते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, ये बहुत कुछ है, औरतें भी बहुत गलत करती हैं, स्पेशली मदर्स की बात की जाए तो गलत कह लें या उनको एक अपनी वो जो जंजीरें हैं वो प्यारी लगने पसंद आ जाती हैं, वही वाला बात है कि अब उनको ना रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है रिलीजन से, और वो अपनी तरफ से हमारी भलाई के लिए कर रहे होते हैं कि नहीं हमारे बच्चे गलत तरफ ना चले जाएं, जबकि उनको वो खुद अवेयर ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उसमें कॉन्टेंट क्या है, उनको ये भी नहीं पता, और जब उनको बताया जाता है तो वो कहते हैं तौबा तौबा तौबा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिटरली ये बात, मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी माएँ हैं ना, माएँ और दादियाँ साथ ले आती हैं, वो अपनी बेटियों से कभी जलती हैं, समझ थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी मिलती है उनसे कंपेयर करो तो, और उनके लिए एक रेफ्यूज बन जाता है, उनका मज़हब एक रेफ्यूज बन जाता है उनके लिए, यहाँ मैंने कोई कुछ इंजॉय नहीं किया, आखिरत में मैं इंजॉय करूँगी, और ये अपने 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 दिमाग में रख लेते हैं कि चलो मैं आज़ादी वहाँ इंजॉय करूँगी। इस साथ नहीं, क्या इंजॉय करेंगी, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जरा आप दोनों से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप दोनों से पूछता हूँ। ये कह रहे हैं जी आई डोंट हैव माइक एक्सेस, गालिब एंसादिया, डोंट यू थिंक लाइक मलाला यूसुफ़ज़ई विल बी अ कैटलिस्ट फॉर वुमन फ्रीडम इन
पाकिस्तान बिकॉज सीमिली मलाला फिट्स द मोल्ड ऑफ द स्टीरियोटिपिकल वुमन इन पाकिस्तान, तो आप दोनों क्या समझती हैं इसके बारे में? सादिया पहले आप बताइए। मलाला के बारे में कमेंट्स कभी पड़े हैं पाकिस्तानियों से? एग्जैक्टली बिल्कुल उसको वो गलत कमेंट्स आते हैं और समझते हैं उसको, तो वो समझते ही कुछ और है। Exactly. यही मसला बन जाता है, कोई भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करे पाकिस्तान के लिए तो उनकी हालत क्या होती है। अच्छा सादिया मेरा सवाल ये है, हाँ जी, चलें आप पहले इसको कंप्लीट करें फिर मैं करता हूँ, सॉरी सॉरी आप करें कंप्लीट, ले लो क्योंकि टाइम अब कम है ना। They are even not able to justify कि ये सही बात हो रही है या गलत हो रही है, वो जज भी नहीं कर सकते एक स्टेटमेंट को, एक सिचुएशन को, एक पर्सन को कि आया ये सही चीज हो रही है या गलत चीज हो रही है, वो ये भी जज नहीं कर सकते। आप कहाँ पे ये सवाल लेके बैठे हैं? हाँ तो वो मैंने तो इसीलिए पूछा था कि आप दोनों से जरा इसका रिएक्शन तो लिया जाए, ठीक है? दोनों पढ़ी लिखी खवाती हैं ना और अच्छे तरीके से समझती हैं। तो सादिया एक और क्वेश्चन आया, सादिया मेरा सवाल है बर्तानिया में के शहर ब्रेडफोर्ड और बर्मिंगम और लीड्स वगैरह में मुलहदों की क्या सूरत हाल है, और वहाँ जो आजकल दूसरी तीसरी नस्ल परवान चढ़ रही है मुसलमानों की, उसका क्या हाल है? यानी ब्रेडफोर्ड और ब्रिमिंगम और लीड्स के अंदर जो एथियस्ट हैं उनकी क्या सिचुएशन है, और जो ये थर्ड जनरेशन है एक पाकिस्तानी मुस्लिम्स की और बंगाली बांग्लादेशी मुस्लिम्स की ब्रिटिश के अंदर है, उनकी क्या ओवरऑल सिचुएशन है? तो ये बड़ी इंटरेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ के जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट थे ना, उनकी उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम बाकी जो सोसाइटी है ना ब्रिटिश सोसाइटी उनके साथ मिलजुल के रहें। सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन इमिग्रेंट जो है जो मुसलमान है वो उनके पास जरा वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में जरा फंस के और ज्यादा कंसर्वेटिव हो गए हैं। और यहाँ एक्चुअली एक स्टोरी मैं बताती हूँ। मैं गई थी अपटन पार्क, गई थी वो एक बर्मिंगम लूटन जैसी ही जगह है, और वहाँ जब मैं गई एक दो लोगों से मिली थी, एक हिंदू था एक सिख था, दोनों से सेपरेट मिली थी। उन्होंने पार्क गए थे इससे मुझे रिकॉग्नाइज किया और कहा कि अगर यहाँ कोई मसला हो गया तो पुलिस भी नहीं यहाँ आके तुम्हारा ख्याल रखेगी। ये इंग्लैंड में हो रहा है, लंदन में। तो ये सूरत हाल है। देखो 30 साल पहले ब्रैडफोर्ड में उन्होंने एक किताब जलाई थी, पूरी दुनिया को पता है सलमान रश्दी की किताब जलाई थी। वो 30 साल बाद एक आदमी गया था, एक जर्नलिस्ट गया था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है एक्चुअली, वो गया था ब्रैडफोर्ड में वही किताब लेके देखने के, वो देखना चाहता है कि कुछ बदला था कि नहीं। और एक आदमी ने उसके हाथ से किताब छीन के उसको जला दिया दूसरी बार 30 साल बाद। तो ये देखो कि कितना बदलाव आया हुआ है इस मुल्क में, कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब है कि वर्स हो गए हैं, क्योंकि देखें 30 साल की एजुकेशन, इसका मतलब है कि ऊपर ही खड़े उनका ब्रेन वॉश देखे ना कितना कर दिया जाता है। अब मैं अपने भाई की बात करूं, वो हाफिज है वैसे तो, लेकिन मतलब कोई इतना दीनी इस्लामी भाई नहीं है। अब वो पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री होता है, पढ़ रहा है। अब वहां जाते ही उसका 2-3 महीने बाद एक बयान आया कि शुक्र है या अल्लाह तेरा पाक, हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ की तो औरतों को तमीज़ ही नहीं है। मतलब मज़े पूरे लेने हैं लेकिन इन औरतों को तमीज़ नहीं है, ये बेहया है, ये जहन्नुमी, वाकई ये जहन्नुमी है। उसका ये बयान था, मतलब उसका जाके कोई बेहतरी की तरफ एलिमेंट नहीं आया उसके दिमाग में, लेकिन उसका जो ब्रेन वॉश पहले हुआ हुआ है वो एक्सट्रीम हो गया कि ये वाकई गलत है। लोग ये तो सिचुएशन हर एक के केस में जो है वो होती है। इवन के जब मैं पाकिस्तान से बाहर आया था मैं ऐसे घूम के जी, आप आके एक दफा आपको फिर पता लगता है कि यार दुनिया पाकिस्तान से कितनी डिफरेंट है।
कि मतलब जो चीजें हम समझते हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि इतना मैटर करती हैं कि किसी ने कितने कैसे कपड़े पहने हैं कैसे नहीं पहने, यार इट डज नॉट इवन मैटर। कुछ दिनों बाद आप खुद ही उस आदमी को देखते भी नहीं हो उस नजर से, आपके लिए वो एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। नीला बुर्का को पहन लेगा ना, उसको भी देखेंगे कि इसने नीला पहना हुआ है, इसने पर्दा सही नहीं किया हुआ, लेकिन लोग घर छोड़ के आएंगे, उसको घर छोड़ के आते हैं, जब तक पीछे फिर चलते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं तो घर छोड़ के आते हैं पूरा। तो ये दैट इज द मेंटालिटी दैट इज रखा है ना हम लोगों को, इसलिए तो इसमें इसमें कसूर सोसाइटी का भी है और सारी चीजों का औरों का भी है। तो वट एवर साहिबा जी, हमारे पास फिर 10 मिनट हैं, तो हम एक आधे बंदे को और ले लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ठीक है जी, तो इट वाज अ प्लेजर, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है, ओके जी, बाय बाय बाय। अच्छा जी, इधर अब हमारे पास एक वर्दा फरीद साहिबा नजर आ तो रही हैं, बट शी कैन नॉट बी एडिड बिकॉज हर माइक एंड अगर वो अपना माइक एक्टिव करेंगी तो तब फिर हम ऐड कर सकते हैं उनको। तो अभी इधर कोई, अच्छा जी, तो हम ये एक मेहदी फ्री साहब हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, गलत है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, कैसे हैं आप? गालिब साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आप यकीन करें मैं आपके तकरीबन सारे वीडियोस देखता हूं। मैंने आपको एक जीमेल भी की थी, बहुत शुक्रिया जी, मैंने आपको जीमेल भी किया था और चैट भी भेजी थी कि आप जब बात करते हैं और आपके साथ स्पेशली जब दूसरे लोग होते हैं जैसे आसिम सईद या स्पार्टकस या दूसरे लोग, तो आप, मुझे लगता है कि आप थोड़े से माना बैकग्राउंड में हो जाते हैं, माना आप ज्यादा अपनी बात को असर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिकली मैं जब आपके वीडियो देखता हूं तो मैं आपके व्यूज सुनना ज्यादा पसंद करता हूं, तो इसलिए थोड़ा आप कोशिश क्या करें कि आप थोड़ा ज्यादा अपने व्यूज दिया करें, क्योंकि आई फील के यूर व्यूज वुड मैटर अलॉट, स्पेशली क्योंकि आप इस पार्टिकल थोड़े से मुझे इमोशनल लगते हैं और आसिम सईद को मैं ज्यादा इतना वो, मैंने आई एम सॉरी आई मे बी रॉन्ग, उनको मैं ज्यादा इतना वो नहीं समझता कि इंफॉर्मेटिव के वो किसी अथॉरिटेटिव नहीं, उनकी नॉलेज इतनी होती है मैं आई थिंक। अच्छा, अब आपका जो आज का टॉपिक है उस हवाले से आपको, ठहरे एक सेकंड फिर आप बात कीजिएगा। मैं आसिम भाई को मैं जानता हूँ, ही इज सच अ नॉलेजेबल गाय, ही सच अ लवली पर्सन, हिज कमांड ऑन हिस्ट्री उनकी बहुत जबरदस्त है, ठीक है, जो कि मैं मैच नहीं कर सकता। आई विल टेल यू, स्पार्टिकस की जो बातें हैं वो भी बहुत जबरदस्त बातें हैं। देखें, हर चीज ऐसी होती है, किसी बात का मुझे अच्छा पता होगा, किसी बात का किसी और को अच्छा पता होगा, हो सकता है कि मेरा एक एक्सप्लेन करने का स्टाइल ऐसा हो कि वो आपके साथ क्लिक करता हो एकदम, मगर कई लोग ऐसे होंगे उनके साथ आसिम भाई का स्टाइल क्लिक करेगा, कोई होगा उसके साथ सादिया का करेगा स्टाइल क्लिक, किसी के साथ स्पार्टिकस का करेगा। तो हर एक शख्स की अपनी अपनी वैल्यू है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि कंपैरिजन आपको करना भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बत देते हैं, आप प्यार देते हैं, आप मान देते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, मगर ये सब लोगों की अपनी वैल्यू है। तो चलें कीजिए बात आप। हाँ जी, मैं अभी इस टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो अभी वेमेन राइट्स के बारे में साजिद साहब कह रही हैं, तो असल में मेरा ख्याल है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ तो यह होता है कि जो खवातीन है वो ही सबसे बड़ी अपनी दुश्मन है, क्योंकि अगर एक खातून अगर मेरा किसी इशू पे ट्राई करती है तो जो उसके इवन जो कलीग्स होती हैं स्कूल में अगर वो पढ़ाती हैं तो कोई ऐसी एक्टिविज्म करने करती हैं, जैसे वो स्टेज पे डांस कर रही हैं, कोई प्रोग्राम शो वो प्रेजेंट कर रही हैं, तो दूसरी खवातीन जो बैठी होती हैं वो थोड़े से उसको मना इतना पॉजिटिव नहीं ले रही थी। तो मेरे ख्याल में हमें खवातीन को ही थोड़ा सा मर्दों के बजाय आप सबसे पहले खवातीन को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो दे शुड अकोमोडेट वन अनदर, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल, आप से 100% एग्री करते हैं। सादिया, क्या कहेंगी आप इस बात के बारे में? Yes, I mean, being a woman, you can understand it much better. Of course, मैंने बहुत दफा देखा है कि कोई औरत बोलती है और पीछे से एक दूसरी ही औरत उसको ताने मारती है, बहुत दफा देखा है, लेकिन एक जॉइंट एफर्ट है as well. मर्दों को, औरतों को सपोर्ट करने की जरूरत है और औरतों को भी, माओं को, बहनों को,
एक ज्वाइंट एफर्ट है ये, लेकिन कोई तो शुरुआत करे, ये एक मसला है कि कोई शुरुआत ही नहीं करता, और जब कोई शुरुआत करता है, मलाला को देख लो उसको क्या किया, और पाकिस्तान पाकिस्तानी कमेंट्स उस बच्ची पर इतनी बेहुदा है, तो कहीं से तो शुरू करना करना पड़ेगा. मलाला इज गुड वुमन, आई थिंक शी इज फैंटास्टिक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से उसके सपोर्ट आनी चाहिए. पाकिस्तान भी नहीं जा सकती, और पाकिस्तान की एटीट्यूड जब तक बदली ना, तो पाकिस्तान के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा. जी, मतलब कि मलाला के बारे में मैं ये कहूँगा सर कि मलाला बेसिकली जो हमारे माशरे में जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ग्रुप है ना, उन्होंने मलाला को एक पर्टिकुलर तरीके से स्पेशली टारगेट किया हुआ है, क्योंकि वो किसी अमेरिका वो तालिबान के अटैक में मेरे ख्याल में वो मर गए, और तालिबान आपको पता है कि जो पाकिस्तान का KPK है वो मना किसी वक्त एपी सेंटर था ऑफ द तालिबान एक्टिविटीज, तो उन्होंने उन्होंने इस वजह से मलाला को काफी मिलान किया हुआ है पाकिस्तान में. वरना मेरे ख्याल में कि मलाला हैज डन अ वेरी गुड जॉब फॉर पाकिस्तान एंड शी इज अ नोबल लॉरी. तो बाकी गालिब साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि प्लीज बी असर्टिव व्हेन यू आर इन द ग्रुप ऑफ द स्पीकर्स, यू स्पीक वेरी लेस, यू गिव चांस टू अदर्स कि भाई स्पीक अप. बात ये है कि दूसरों की भी तो सुननी है ना, अगर मैंने अपनी सुनानी है किसी और को बुला के, तो दैट इज यू नो दैट इज. और देखें कि हर किसी जो इधर आता है दे हैव अनदर डायमेंशन दे कैन एक्सप्लेन. आई एम थैंकफुल टू यू कि आप मुझे सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, और आपको मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मौका मिलता है मुझे सुनने का. तो चलें, शुक्रिया बहुत, फिर आपको भी हम आपसे इजाजत लेंगे, फिर हम किसी और को लेते हैं. कमर राजपूत साहब आना चाह रहे हैं, तो मैं उनका इंतजार करता हूँ, और उसके बाद फिर हम जो है क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे. रंजीत साहब से बात कर लेते हैं 2 मिनट. हेलो, हाँ जी सरदार जी, कैसे हैं जी आप? सर, हाँ जी, मैं मुझे पता था कि आप सादिया से जरूर बात करना चाहेंगे, तो मैंने इसलिए आपको लिया. आप सादिया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या कम से कम फेमिनिज्म एंगल से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का आगाज किया है. एक मेरी सजेशन थी कि आप पाकिस्तान में लड़कियां आगे सीधे नहीं आ सकती, इसलिए पहले जो मुस्लिम लड़कियां लंदन में हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, दिल्ली में, जब बॉम्बे मतलब सब काउंटी ढाका में हो, मेरा पॉइंट है यूनिवर्सिटी में कहीं भी, तो उनका एक छोटा सा ग्रुप 2-4-10 लड़कियों का एक ग्रुप बन जाए, उसके बाद चाहे अमेरिका, कनेडा, लंदन, तो आप उससे उसके वाया मूव करें तो अपनी मूवमेंट आगे बढ़ सकती है. दूसरा था कि दूसरा पॉइंट था कि जीन पाल सार्त्रे की वाइफ साइमन डी बॉवरे की एक बुक है द सेकंड सेक्स, ये पेंगुइन वालों ने छापी है लंदन से, तो इसका ट्रांसलेशन जड़ी उर्दू में या इसके कुछ चैप्टर्स का या उस किताब को बेस बनाकर, जैसे हैरिस की बुक है द कर्स ऑफ गॉड, तो उसको बेस बन के आगे एक मूवमेंट चली है. इसी प्रकार साइमन डी बॉवरे की बुक द सेकंड सेक्स को बेस बनाकर आप आगे चले, तो क्योंकि जितना काम आप करोगे, यदि 2-4 और आपके डिसाइपल्स बनेंगे 2-4-5-10, तो बुक के वाया मूवमेंट आगे ज्यादा चली जाती है. जी, बस मेरा इतना ही पॉइंट था. थैंक यू वेरी मच. तो एक्चुअली एक सवाल पूछना था तुम दोनों से कि पाकिस्तान में फेमिनिस्ट लिटरेचर कितनी है या नहीं? मारवी शर्मा का ही पता लगे, देखें पाकिस्तान लिटरेचर की बात कर रही है, आप लिटरेचर की बात कर रही है ना? जी, लिटरेचर देखें, फेमिनिस्ट लिटरेचर अगर पाकिस्तान में थोड़ा बहुत छपा है तो वो छपा है जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट है उन लोगों ने, और उसकी सर्कुलेशन जो है वो बहुत कम है. ठीक है, दाना साहब अगर आप हैंड फ्री लगा लेंगे तो बेहतर होगा. दाना साहब प्लीज हैंड फ्री. आई एम सॉरी, बट तो वो उन्होंने ही बहुत कुछ कुछ थोड़ा बहुत छापा है, और टू बी वेरी फ्रैंक आई हैवंट रेड इट, मगर ये है कि उन्होंने जो छापा होगा आई नो इट वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, मगर अगर आप देखें कि वो मेन स्ट्रीम में कोई फेमिनिज्म होगा तो वो दैट इज नॉट देयर. बिल्कुल एक काल है, जिसको एक ड्राउट है पूरा, बिल्कुल कोई है ही नहीं है.
तो अब एक सोशल मीडिया है कि जिसकी मदद से कुछ बात थोड़ी आगे बढ़ सकती है, एंड सादिया यू कैन यू हैव टू प्ले अ रोल ऑफ, मतलब जो जो है ना कि एक फेमिनिज्म इस तरफ से आवाज सामने आए, क्योंकि एक औरत जब फेमिनिज्म पे बोलेगी तो दैट इज गोइंग टू हैव अ 20 टाइम्स मोर इफेक्ट देन इफ आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इट. तो दैट इज वेयर वी नीड यू, सो यू हैव टू डू दैट. तो दाना साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ. अब ये मुस्कुराएगी खातून थोड़े सा. मैं तो इस बात इतना खुश हूँ, खातून नजर आ रही है. She looks so composed. I don't know anything about her actually. Body language is so soothing. So, that's as simple as you as. अगर सादिया के बारे में मैं आपको बताऊं, सादिया जो है वो ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, एथियस्ट हैं. और मैं तकरीबन सादिया को तो पिछले 3 साल से जानता हूं. सादिया मुझे लगता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सादिया शायद पिछले 10 साल से एक्टिव हैं और वो काम कर रही हैं. सादिया यूके में होती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रही हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया. यहाँ पे मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि सादिया का चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करें, सादिया के चैनल को सब्सक्राइब करें. पाक एथियस्ट इनके नाम चैनल का नाम है. और जिन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब करें. और याद रखें कि बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन आपने क्लिक करना है. तो सर आप दोनों अब हैं हमारे साथ, तो कंक्लूडिंग हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. इन 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू एंड इट. ठीक है, तो दाना साहब क्या कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू रजिस्टर समथिंग व्हिच मे बी अ बिट ग्राफिक बट होप द वुमन कैन डील विद दैट. हम उस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट दैट थिंग, जहां पे सास वेडिंग नाइट के बाद लहू के धब्बे तलाश किया करती थी. जस्ट इमेजिन we are exactly. the offshoot of that culture. And here, when we come over here, we see not so often that marital rapes are being registered. So how could we communicate with those people back home and bridge up something where could we feel that we are traveling towards something? That's a very, very, we have to be very clear about a lot of things. लड़कियों अब ये मतलब मौलाना ये जो है तारिक जमील, मैं कहा करता हूँ हमेशा से कि इस्लाम क्या है, सिर्फ तलवार और शलवार के अलावा इन दो लफ्जों में सारा इस्लाम सुबोया जा सकता है. तलवार तो जो थी वो मॉडर्न मुआशरे ने इनकी बर्बाद कर दी. अब मौलवी तारिक जमील वर्गे बंदे वो सिर्फ शलवारें बेच के इस्लाम फैला रहे. He should be ashamed of his behavior. He has done. देख सकती है वो जन्नत के जो नक्शे खींचता है इतने साल चलने के बाद पता चला कि मैं हूर की दुकान What the fuck is going on? First of all, I think I have come very late and I can see that you are concluding. First of all, we have to rewrite our social contract, constitution, totally. 100%. And then every gender, I'm not saying male and female, every gender should be educated together in one fucking classroom. Yes, I agree. Yeah. Sex education should be, you know, what is it called? Lazumi mazmoon hona chahiye from the 5th grade. Yeah. Part of the curriculum hona chahiye. बिल्कुल. और वो कैरिकुलम फौजा बनाए, वो कैरिकुलम एकेडमिक स्पेशलिस्ट बनाए. जी जी जी, ताकि हम किसी जगह जा तो सके यार. जब हमारे जो हमारे स्कूल्स एंड कॉलेज में यू गो अप टू पीएचडी डॉक्टर्स, साइंस भी आपको आज हदीस और कुरान की रोशनी में पढ़ाई जाती है. लो कर लो गल. जी जी, आई लाइक योर पॉइंट. I like your Punjabi. I'm Punjabi too. I really like it. मैं लोग ये गाते हो मैं भी ना बोला चंगा थे बेटे वो मेरा. मैंने ये काम ना ये बंदा नहीं कर सकता. ये जो बंदा ना मकाले वो ये नहीं कर सकता. दी चादर उत्ते सल. He's everything for him. गाले में पंजाबी नहीं थी. जी. गाले में पंजाबी. हाँ.
ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਯੂ ਮਿਸ ਰੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਮੇਜ ਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਡੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਪਗਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇ ਹੈਵ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਇਨ ਉਰਦੂ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੀਇੰਗ ਨਾਰਮਲ ਅੱਛਾ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੀਇੰਗ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਇਵਨ ਇਸ਼ੂ They have debated me like anything. I mean, you are sitting here, behave like that. I mean, this is a convocation of Swasana. I said, you have stopped being a human being. You have stopped being ashamed, repentant. Everything. They play so safe that it feels so suffocated for me. But because they are great people. I must admit to that. But living a life is not about caging yourself I think we need a zero tolerance approach. Dekho, British jad India chai sige, and they saw people burning their wives, you know, the practice. Yeah. They found it so abhorrent that they took a zero tolerance approach. The practice of FGM, again, it doesn't matter what people's cultural or religious practices are, and religion does advocate FGM, because it's a practice that we think is so disgusting. And there's a complicated thing with FGM. With FGM, because every religious community has managed to distance themselves from it, even though Islam has four schools of Islam suggest FGM, we've managed to successfully campaign against it because of that distance from religion. Whereas male circumcision, because it doesn't... Sadia ji, when you try Pakistan English... Pakistan, can I start? It's very British, but I'm struggling. Sorry, I'll talk a little bit slower. Jo circumcision hai ki, Bandiali circumcision, kyunki wo religion steep kiti hui hai, it's been very... Don't mean to switch English, but switch Indian or Pakistan English. Indian and Pakistan English. Oh, mere samajh nahi aati, I don't know what you mean. I think the simple solution is a zero tolerance approach. Practices lekin asi tolerate nahi karna. Simple. When you take that approach, you have a higher likelihood of abolishing practices that are outdated and have no basis in modern society. You don't really want practices where you're still looking at women's bed sheets or after their wedding night. That's such an outdated practice. And also the science tells us that some women do, some women don't. Some women might lose their virginity or that, you know, damage that hymen during playing tennis. Wait a second. I am not the best orator or best company man. I talk like as if I'm sitting on a coffee table or a beer table with a friend. You see, losing virginity is completely about women. It's never about the boys. Yes, exactly. It is. Exactly. Thank you to Abdullah Samir for sending me a super chat of super chat. Thank you very much. Yeah, Sadia, there I have a question.
So if Islam wouldn't have come from basically my wife usually talks about this, and this is basically her question and her argument. So she says that if Islam wouldn't have come from Arabia and Arabia, there wouldn't be a reason for FGM in Islam. Islam mein FGM isi liye hai ki ye Arabia aur Africa se connected hai. Agar ye Eurasia se upar Russia se aaya hota to nahi hona tha. To this is why it exists there. Possibly, but there is some FGM in some pockets of Pakistan, in some pockets of India. It kind of is bigger than just that. But yes, it's more popular in the Middle East and more popular in like a lot of African countries. But I mean, I couldn't categorically say it's just certain of Islam that have it, but I couldn't say. I don't know beyond that if what your wife is saying is right, is valid, but I don't know. I couldn't say yay or nay if it's right or wrong, because I don't know, and I wouldn't want to say something wrong. I'll look into that, actually. It sounds interesting. I think so. Are we wrapping up? Did you have any more questions, both of you? Can you please tell me? I don't think so. Ranjit Singh Saab, aapka koi question hai to kare fir uske baad main kya Abdullah hello karte hain main kya Abdullah Sameer nu je lena te le lo mainu paave delete kar do Abdullah Sameer ji nu le lo je lena te Abdullah delete kar de mainu Abdullah do you want to come and talk with us? If you want to, then the StreamYard link is in the chat. You can join us for a few moments. Like, we are going to wrap it up in 10 minutes. If you are going to come, then we are going to... I personally think that Islam is the worst thing which has hit in Hindustan. I don't even call India. For me, Hindustan is everything. And it may have three flags, but it must have one pole. One pole and three flags, just like Scandinavia. What happened in the last 17 years between India and Pakistan, we could have been far ahead than China today. I can tell you, we are very talented people if given the environment. Yeah. So this makes me feel very sad about now. Lately, the way Indians are, becoming Muslim in their attitudes. Yeah. They are unable to see what has happened with Pakistan because of that school of thought, religious school of thought. And now they are, it's very, very depressing for me, because I have grown up watching Shabana Azmi, Smita Patel, and Nasiruddin Shah, and you name it, since 70s. I finished my school in 73. And I still remember, I was a special piece of shit even in the school. I asked my teacher one day, ke agar hum Hinduon aur Yahudon Nasara se nafrat na kare, to phir to hamara Pakistani hone ka koi baki jawaz hi nahi bachta. That's true. There's a special ye to baat hai. Yes. Ab uski wajah se mere baba marhoom ko bhi bulaya gaya, jhidkiyan dali gayi, unse maafi mangwai gayi, mujhse maafi likhwai gayi. And I was born and grown in Lahore, not some village school or some small city. And it was one of the best schools, Central Model School. And today, you young people, you have all the facilities of information. We had to beg what was this, American or British library in Lahore. And few books had a waiting British time. American क्या था वो जिसको जला दिया था पाकिस्तान में? American Center क्या था यार? American Center को जला दिया था पाकिस्तान में. American Center, हाँ जी, American Center दुनिया के हर city में, बड़े city के अंदर मौजूद है, मगर पाकिस्तान में American Center जो था वो जला दिया गया था. And because of that, there is no more American Center anywhere. On the other hand, Pakistan. We were very liberal people in 70s.
you know, poets, critics, everything was, Lahore was the hub of culture, politics. Yeah. Bhutto was made in Lahore. Sindhis don't even know that. Yeah. Bhutto was made in Lahore, model town. And now today, Sadia Numan is saying, great work, you guys. Sadia, please bring back the content on your channel. So, बहुत से लोग मुझे बहुत लोगों ने emails भी की हैं कि जी Sadia, where is Sadia? Why is she not active anymore? And I've told them that Sadia is a little busy and she is going to be back around. And now you are seeing Sadia, and we hope that we are going to see more of Sadia in the coming days. So Sadia, आपके कोई concluding remarks हैं, कोई बात आप कहना चाहती हैं तो कहें, फिर उसके बाद हम इसको end करते हैं. Let me go for a second. मैं जो Facebook पे जो मचलती हुई तितलियां होती हैं ना, तो वो कहते हैं आज मेरा मूड जो है वो कुछ येलो कलर का लग रहा है, और 350 कमेंट्स आ जाते हैं. चेंज करके अब्दुल कद्दूस लिखो, अगर तुम्हें जूतियां ने पड़ी तो मेरे कान पकड़वा देना. ये जो हमारा that's why because we have so much difficulty, we see, hear or watch a girlish name and we forget about the personality, we just So your presence will I'm sure there will be a lot of women like you, the younger women and with much brighter ideas. I think you should encourage more women into your circle. Yeah, I try. keep this is my request. Achha. It's nothing. Keep genderly balanced, maybe add a transgender into your discussion. Yeah, not about transgenderism. No. Treat them. Treat them like just anybody. Yeah. This is the idea that we bring those people and never discuss cross transgenderism, just politics, religion, whatever you want to. Yeah. It was wonderful. I hope you will stay in touch. They have all my information. Sure. And it will be great to exchange. You are in where are you? England, somewhere? England, yes. Yeah. London mostly. No, thankfully not. I hate London so much. I visited there in early 90s, 91, something like that. Yeah. It's like, you know, railway station and trains painted with slogans and, you know, really ugly. I went from Sweden there. And we have had Britain, the center of the world, the excellence and everything. It just got, the trains were shitty as they compare to. But okay, concluding remarks. I just took your time. Yeah, that's okay. I think there's a few things, as well as improving women's rights. Because that's one component. If you can explain it, Urdu will be, you know, much better. Sure. Because majority logon ko samajh aayegi. Ji. To auraton ke huquq. तो एक ही कंपोनेंट है इस मसले के. एक दूसरा कंपोनेंट है, औरतों को खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. अगर तुम हक लेना चाहते हो तो और एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हो जो तुम्हें हक देना नहीं चाहता, तो वो छीनने पड़ेंगे तुम्हें. Yes. घर बैठ के विक्टिम बन के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. अगर से आज तक कोई मुल्क फतह नहीं किया गया. जी जनाब, बदलाव लेना लेके आना पड़ेगा. एक ये बात है. दूसरी ये बात है कि get involved, पॉलिटिक्स में आओ, अपनी आवाज उठाओ. एग्जैक्टली उठाने की जरूरत है. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करो. बदलाव तुम ही लेके आ सकते हो, कोई और नहीं लेके आ सकता. घर बैठ के अगर तुम विक्टिम बनोगे ना, तो कुछ बदलेगा नहीं. घर बैठ के अगर तुम रोओगे ना, तो कुछ बदलेगा नहीं. मुझे भी सफर करना पड़ा था यहाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी जिंदगी यहाँ सेफ थी. पाकिस्तान में मेरी जिंदगी सेफ नहीं है. मुझे पूरा पता. आई कम्प्लीटली तुम्हारे लिए खूबसूरत पंच लाइन. जी, बकरों और कसाईयों के मुजाकरात नहीं हुआ करते, ये बताओ लड़कियों को.
लेकिन अगर तुम वो अगर तुम चेंज लेके आना चाहते हो देन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चेंज. चले ठीक है जी सादिया. यस यू फिनिश और या गालिब फॉर लेटिंग मी जॉइन. इट वाज नाइस. इट वाज रियली नाइस. थैंक यू. चले ठीक है जी सादिया. आई होप दैट वी विल जानबूझ के भूला हूं. आई लूज ग्रुप्स अ लॉट. दिस इज माय टाइम फॉर फ्लश आउट माय रैम एंड मेमोरी. जी जी सर जी और जी सर जी सादिया आई होप के हम इस तरह का एक आधा सेशन एक माह में कोई ना कोई इस तरह का सेशन कर लिया करेंगे. व्हेनेवर यू आर अवेलेबल यू लेट मी नो. ठीक है तो बिकॉज़ देयर इज वन कंपोनेंट मिसिंग दैट इज द बेसिकली द फीमेल कंपोनेंट द फीमेल नैरेटिव फीमेल एथियस्ट नैरेटिव हैज टू बी एक्सप्लेन्ड और लोगों को पता चलना चाहिए वो. अब मैं तो बहुत बातें करूंगा, दाना साहब भी करेंगे, हम करते ही रहते हैं सारे. ठीक है तो इन द एंड क्या हुआ है कि जी अब हमें ये सारी चीजें जो हैं वो कंक्लूड करनी है. चलें तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं. आई नो सादिया इज बिजी, शी हैज टू डू अ लॉट एंड थैंक्स फॉर योर टाइम सादिया. और सादिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, जाएं सब्सक्राइब करें. लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, सबसे ऊपर लगा हुआ, उसको जाके क्लिक करें एंड गो सब्सक्राइब एंड यू वुड हैव ग्रेट कंटेंट फ्रॉम हर. और आपको जरूर इनका कॉन्टेक्ट पसंद आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ. ठीक है तो हमें दें फिर इजाजत, हम इसे एंड करते हैं. नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे. तो आज की बड़ी अच्छी डिस्कशन रही. थैंक यू सादिया, थैंक यू दाना साहब. Get my information from this old guy and redundant guy. चलो जी ठीक है जी. थैंक यू. थैंक यू जी. सब अपना ख्याल रखिए COVID-19 के दौरान. अपने आसपास दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिए. इट इज अ डिफिकल्ट टाइम और हमें सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है. एंड अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात करें. आई होप थिंग्स इम्प्रूव इन पाकिस्तान. तो फिर आपसे मिलेंगे जल्दी. चलेंगे ठीक है. बाय बाय. बाय बाय एवरीबॉडी.